हेलो दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं करियर रूटीमेंट्स के एक और वीडियो में। जैसे कि हमने अपने इंट्रोडक्टरी वीडियो में ये वादा किया था कि हम एसएससी सीजीएल टायर वन के प्रिपरेशन के लिए एकदम कम से कम टाइम में जितना ज़्यादा करंट अफेयर्स कवर कर पाए ऐसा एक क्रैश कोर्स लाएंगे। तो आज हम वहीं स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा नेशनल करंट अफेयर्स, और हमारे इस वीडियो को हमने टाइटल दिया है करंट अफेयर्स एक्सप्रेस। जी हाँ, क्योंकि एकदम इसमें कम से कम टाइम पे जितना से जितना ज़्यादा कंटेंट हम आपके लिए कवर कर पाए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमको और मोटिवेशन मिले कि हम ऐसे वीडियोस और ला पाए, हमारे कोर्स कंटेंट्स को और ज़्यादा हम इलेबोरेट कर पाए और ऐसे वीडियोस लाए ताकि आपको वो और हेल्प कर पाए आपके प्रिपरेशन के लिए। और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए ताकि आपको नोटिफिकेशन हमारे वीडियोज़ की मिलते रहे। तो चलिए, टाइम नहीं वेस्ट करते हुए हम मूव करते हैं अपने कंटेंट की तरफ। जी हाँ, तो नेशनल करेंट अफेयर्स हम स्टार्ट करते हैं। एट साइबर दोस्त, होम मिनिस्ट्री लॉन्चेस ट्विटर अकाउंट टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट साइबर क्राइम्स। तो ये होम मिनिस्ट्री का लॉन्च हुआ है और ट्विटर अकाउंट है साइबर दोस्त, जिससे हम स्प्रेड कर रहे हैं कि अवेयरनेस अबाउट साइबर क्राइम्स। तो इससे एकदम सीधे सीधे क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ द ट्विटर अकाउंट विच हैज़ बीन लॉन्च बाई होम मिनिस्ट्री टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट साइबर क्राइम्स। ठीक है, तो इसका ये एक पॉइंट हो गया। ओके, अगले पॉइंट में मूव करते हैं। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल राजीव महर्षि जी हैज़ बीन इलेक्टेड एज वाइस चेयरमैन ऑफ यूनाइटेड नेशंस पैनल ऑफ ऑडिटर्स। जी हाँ, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसमें से आपका क्वेश्चन कैसे आ सकता है, एक तो सीधे सीधे कि हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज अ वाइस चेयरमैन ऑफ यूनाइटेड नेशंस पैनल ऑफ ऑडिटर्स, तो आपको पता होना चाहिए राजीव महर्षि। या तो सिंपल क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकते हैं कि हु इज़ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इतना ईजी क्वेश्चन मुझे लगता नहीं पूछेंगे क्योंकि ये ऑलमोस्ट सभी पढ़ के ही जाएंगे। शियोमी बिकम्स 23rd डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में अभी तक 22 डिस्ट्रिक्ट्स है, तो ये नया डिस्ट्रिक्ट अभी ऐड हुआ है शियोमी, तो इसका नाम आपको याद होना चाहिए, ये क्वेश्चन आ सकते हैं। यूरोपियन यूनियन ओपन्स इंडियाज फर्स्ट जीन मॉनिट सेंटर ऑफ एक्सेलेंस इन न्यू दिल्ली। तो इसका एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है कि वेयर दिस द यूरोपियन यूनियंस जीन मॉनिट सेंटर ऑफ एक्सेलेंस ओपन इन इंडिया, तो उसका आंसर होगा आपका न्यू दिल्ली। केरला बिकम्स द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू हैव 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स विथ इनाग्रेशन ऑफ एयरपोर्ट एट कन्नूर। ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंडिया में किसी भी स्टेट के पास 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स नहीं है, तो आपका सीधे सीधे ऐसे क्वेश्चन आ सकता है विच स्टेट इन इंडिया हैज़ रिसेंटली बिकम द फर्स्ट स्टेट टू हैव 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स। या तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, ये नाम आपको पता होना चाहिए, कन्नूर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि इन विच स्टेट इज कन्नूर इंटरनेशनल एयरपोर्ट इनॉग्रेटेड, तो उसका आंसर होगा केरला। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैज़ इनॉग्रेटेड द बोगीबील ब्रिज ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लेट अटल बिहारी वाजपेयी, दैट इज डिसंबर 25, विच इज़ ऑब्जर्व एज गुड गवर्नेंस डे। जी हाँ, ये इसमें एक बहुत सारा इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस है इस एक पॉइंट के अंदर है। सबसे पहला चीज़, हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री है अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनका जन्म दिवस कब मनाया जाता है, तो आपका आंसर होगा डिसंबर 25। और डिसंबर 25 को उनका बर्थ एनिवर्सरी कॉमेमोरेट करने के लिए उसको ऑब्जर्व किया जाता है एज गुड गवर्नेंस डे। और उसी दिन पे इस साल 2018 डिसंबर 25 में मोदी जी ने इनॉग्रेट किया बोगी बिल ब्रिज को आसाम में। इसको हम लाइफलाइन ऑफ असम के नाम से भी जानते हैं। ये ब्रिज कहाँ कहाँ कनेक्ट करता है, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। द ब्रिज कनेक्ट्स द सदर्न बैंक ऑफ द ब्रह्मपुत्र रिवर इन असम्स डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट विद सिलापत्थर इन धेमाजी डिस्ट्रिक्ट बॉर्डरिंग अरुणाचल प्रदेश। तो जब भी कोई नया ब्रिज या नया टनल कुछ लॉन्च होता है तो कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। देखिए, अगर आप रिसेंट क्वेश्चन पैटर्न्स देखें तो कौन इनोग्रेट कर रहा है, ये क्वेश्चंस अभी बहुत पूछे जा रहे हैं। यूजुअली जो कैंडिडेट्स है वो उस पॉइंट को ही सबसे ज़्यादा इग्नोर करके जाते हैं, सब पढ़ के जाते हैं कि क्या ब्रिज है, कितना उसका हाइट है, कहाँ से कहाँ कनेक्ट कर रहा है, जो मिस कर जाता है कि किसने उसको इनोग्रेट किया। और कोई अगर इम्पॉर्टेंट दिन है कि कब उसको इनॉग्रेट कर रहा है, कोई स्पेशल ओकेशन पे इनॉग्रेट कर रहा है कि नहीं, तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मोदी जी इनॉग्रेटेड द बोगीबील ब्रिज, कब इनॉग्रेट किया था, डिसंबर 25 को। क्यों डिसंबर 25 को, इज द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लेट एक्स प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी, उस दिन को गुड गवर्नेंस डे के हिसाब से ऑब्जर्व किया जाता है। चलिए अगला पॉइंट।
नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूशन NRTI, ये है आपका इंडियाज़ फर्स्ट रेलवे यूनिवर्सिटी विच हैज़ बीन ओपन इन वादोदरा। ठीक है, तो इससे देखिए क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, विच इज़ द इंडियाज़ फर्स्ट रेलवे यूनिवर्सिटी, क्या होगा आंसर, नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूशन, कहाँ पे खोला गया है, वादोदरा। ओके, हु हैज़ बीन मेड द चेयरमैन ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन, जो चेयरमैन ऑफ रेलवेज बोर्ड है डॉक्टर अशोक लोहानी, ही हैज़ बीन नेम्ड एज द वाइस चांसलर ऑफ दिस यूनिवर्सिटी। तो ये आपका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यूजुअली सारे कैंडिडेट्स ये तो पढ़ लेते हैं कि नया इंस्टीट्यूशन कहाँ पे खुला है, ये माइनर माइनर जो डिटेल्स है इसको कैंडिडेट्स मिस कर जाते हैं, और मैक्सिमम क्वेश्चन में ये क्वेश्चन पेपर्स में ये देखा गया है कि ऐसे रिलेटेड पॉइंट्स आ जाते हैं। चलिए, न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ छत्तीसगढ़ भूपेश बाघेल, चलिए आगे बढ़ते हैं। काइगा एटॉमिक पावर स्टेशन इन कर्नाटका स्टेट हैज़ क्रिएटेड वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर कंटिन्यूस ऑपरेशन फॉर 941 डेज। ये एक अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 941 डेज के लिए कंटिन्यूस अनइंटरप्टेड ऑपरेशन किया है काइगा एटॉमिक पावर स्टेशन ने। तो इधर से क्वेश्चन तो आपका आ ही सकता है कि इन विच स्टेट इज काइगा एटॉमिक पावर स्टेशन, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप अपने आप को लकी समझे कि इतना ईजी क्वेश्चन आया है। और ये भी आ सकता है कि विच रिसेंटली काइगा एटॉमिक पावर स्टेशन हैज़ क्रिएटेड द वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर वॉट एवर दी, तो आपके पास चार ऑप्शंस रहेंगे, तो उसमें आपको ये सिलेक्ट करना होगा कि कंटिन्यूस ऑपरेशन ऑफ 941 डेज, या तो ऐसे भी आ सकता है सीधे सीधे आपको पावर स्टेशन का नाम पूछ लिया कि विच एटॉमिक पावर स्टेशन हैज़ क्रिएटेड द वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर कंटिन्यूस ऑपरेशन फॉर 91 डेज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स, ये एक रिपोर्ट है विच हैज़ बीन रिलीज्ड बाय नीति आयोग, और इस इंडेक्स में फर्स्ट रैंक दिया गया है तमिलनाडु को। प्रधानमंत्री मोदी जी इनॉग्रेटेड द इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट साउथ एशिया रीजनल सेंटर इन वाराणसी। देखिए ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट का साउथ एशिया रीजनल सेंटर IRRI SARC इन वाराणसी, तो वाराणसी में ये इनॉग्रेशन किया गया है। कौन इनॉग्रेट किए है, ये क्वेश्चन आता ही है आजकल, ये आजकल बहुत ही मतलब कॉमन एक क्वेश्चन गया है, जिस भी एग्जाम में देखो एक ऐसा पॉइंट आ ही जाता है कि किसने इनॉग्रेट किया है। तो जब हम ये पढ़ रहे हैं कि इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट के बारे में, तो एक छोटा सा इसमें पॉइंट पढ़ लेते हैं कि हेडक्वार्टर्स ऑफ इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट इट इज़ इन लॉस बानोस लगुना इन फिलीपींस। चलिए ये एक छोटा सा पॉइंट है, नेशनल चिल्ड्रेन साइंस कांग्रेस इनॉग्रेटेड एट भुवनेश्वर उड़ीसा, तो इतना सा इस आप में इसे जानेंगे तो काफ़ी है। ओके, रेलवेज इज बिल्डिंग द कंट्रीज फर्स्ट वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज टू कनेक्ट रामेश्वरम टू मेनलैंड इंडिया। जैसे रामेश्वरम आप सभी जानते हैं कि रामेश्वरम से जो पम्बन का जो आइलैंड का जो ब्रिज था, पम्बन ब्रिज जिसको बोलते हैं, वो बहुत ही फेमस एक ब्रिज है इंडिया का, जैसे मूवीज में भी दिखाते, चेन्नई एक्सप्रेस में आपने देखा है और उसके बहुत ही वीडियोज आते रहते हैं कि एक कितना सुंदर वो समुंदर के ऊपर वो ब्रिज रहता है, तो वो बहुत ही पुराना ब्रिज है। और जब तक बांद्रा वर्ली जो सी लिंक नहीं बना था, वो इंडिया का लॉन्गेस्ट सी ब्रिज था और वो इंडिया का फर्स्ट सी ब्रिज था। यस, पम्बन ब्रिज वॉज इंडियाज फर्स्ट सी ब्रिज एंड इट वॉज द लॉन्गेस्ट सी ब्रिज इन इंडिया अंटिल बांद्रा वर्ली सी लिंक वॉज ओपेंड इन 2010। तो रेलवेज ने डिसीजन लिया है कि हम वहाँ पे फर्स्ट वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज बनाएंगे, वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज आप लंडन में देखेंगे कि ऐसे इधर से वो खुल जाता है, तो ऐसे होता है वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज, तो वो रिप्लेस करेगा, ये बहुत ही पुराने दिन से ये ब्रिज चल रहा है उसको वो रिप्लेस करेगा, एकदम नया स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी से वो बनाया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद हैज नॉमिनेटेड जस्टिस AK Sikri एज एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी नालसा। ठीक है, तो ये बस आप नाम जान के रखिए, क्वेश्चन आएगा तो ऐसे ही कि हु हैज बीन नॉमिनेटेड एज द एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। नेक्स्ट, साइक्लोन दैट हिट अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स इन जनवरी 2019 पाबुक। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे कि आप जानते हैं कि कुछ दिनों तक पहले जो आप बैंक अकाउंट्स ओपन करने जाते हैं, कि नया सिम लेने जाते थे,
और तो उसके लिए आपको सर्विस प्रोवाइडर या बैंक अकाउंट मैनेजर्स बोलते थे कि आधार मैंडेटरी था। तो ये पिटिशंस फाइल होने लगी कि आधार मैंडेटरी, ये कोई जो सर्विस प्रोवाइडर्स है, दे कैन आवर डेटा समहाउ कैन लीक, इट कैन बी मेड अ ब्रीच ऑफ आवर प्राइवेट इंफॉर्मेशन। तो उसके लिए बहुत पिटिशंस फाइल हुई और अमेंडमेंट किया गया आधार लॉ के ऊपर, जिसका नाम है आधार एंड अदर लॉज अमेंडमेंट बिल 2018। ये सीधे सीधे ऐसे बिल का नाम क्वेश्चन में आ जाते हैं। आपके पास चार ऑप्शन रहेंगे और एकदम चार ऑप्शंस इतने सिमिलर रहेंगे कि आप कंफ्यूज हो, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो ये जो बिल है ये किसको अमेंड करता है? आधार, टारगेटेड डिलीवरी ऑफ फिनेंशियल एंड अदर सब्सिडीज बेनिफिट्स एंड सर्विसेज एक्ट 2016। जी हाँ, तो बेसिकली इस अमेंडमेंट से हो क्या रहा है, जो पहले आधार डिटेल्स शेयर करना मैंडेटरी था, अब उसको बना दिया गया है वॉलेंट्री। मतलब ये कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको बैंक अकाउंट्स ओपन करने के लिए या नया सिम कार्ड लेने के लिए आपको आधार देना ज़रूरी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च्ड सर्वे ऑन रिटेल पेमेंट हैबिट्स ऑफ इंडिविजुअल्स। तो इसमें बस इम्पॉर्टेंट है कि ये सर्वे का नाम क्या है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि विच सर्वे हैज़ रिसेंटली बीन लॉन्च्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो आपका आंसर होगा रिटेल पेमेंट हैबिट्स ऑफ इंडिविजुअल्स। नेक्स्ट, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हैज़ लॉन्च्ड एन आउटरीच प्रोग्राम कॉल्ड संवाद विद स्टूडेंट्स। रिसेंटली अगर हम इसरो को बहुत न्यूज़ में देखें तो उनका मार्केटिंग बहुत अच्छे से हो रहा है। दे आर ट्राइंग टू आउटरीच टू द पब्लिक, जो स्पेशली स्कूल के स्टूडेंट्स से, कॉलेज के स्टूडेंट्स से, उनमें वो अवेयरनेस स्प्रेड करना चाहते हैं उनके प्रोग्राम्स के बारे में, उनके प्रोजेक्ट्स के बारे में, और मोटिवेट करना चाहते हैं कि जो आगे आने वाली पीढ़ी है वो एरोस्पेस इंजीनियरिंग की तरफ वो मोटिवेट हो और उस लाइन में जाके वो अपना फ्यूचर देखे। तो इसीलिए इसरो एक प्रोग्राम लाया है संवाद विद स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर। ये सब जानते हैं कि न्यू दिल्ली में वर्ल्ड बुक फेयर होता है, तो ऐसे क्वेश्चन कभी नहीं आएगा कि इन विच सिटी ऑफ इंडिया वर्ल्ड बुक फेयर इज हेल्ड। क्वेश्चन को थोड़ा ट्रिकी बनाने के लिए वो उसमें से कुछ और डिटेल्स पूछ लेंगे। तो सबसे ज़्यादा चांसेस यही आने की, व्हाट इज़ द थीम ऑफ 2019 न्यू वर्ल्ड बुक फेयर। तो उसका थीम क्या है? रीडर्स विद स्पेशल नीड्स। और नाम से ही देख के आप समझ सकते हैं कि ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसका थीम थोड़ा स्पेशल है। नेक्स्ट, सेंटर सेट्स अप बेस बरुआ कमिटी टू रिव्यू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्लॉज 6 ऑफ आसाम एकॉर्ड। तो यूजुअली आता है, तो बस ये कमिटी के हेड कौन है या कौन कमिटी लीड कर रहा है, कौन सी कमिटी, ये बस आपको आएगा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी इनॉग्रेटेड द गंगा जल प्रोजेक्ट विच एम्स टू इम्प्रूव वाटर सप्लाई टू द सिटी ऑफ आगरा। तो इसमें आपका प्रोजेक्ट का नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन सा प्रोजेक्ट इनॉग्रेट किया है, किन्होंने इनॉग्रेट किया है, और ये जो प्रोजेक्ट इनॉग्रेट हुआ है इसका मेन पर्पस क्या है। तो किन्होंने इनॉग्रेट किया है? मोदी जी ने इनॉग्रेट किया है। प्रोजेक्ट का नाम क्या है? गंगा जल प्रोजेक्ट। और ये किस लिए इंपॉर्टेंट है? दिस प्रोजेक्ट एम्स टू इम्प्रूव वाटर सप्लाई टू द सिटी ऑफ आगरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड लॉन्च्ड अ यार्न बैंक स्कीम एज वन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ पावर टेक्स इंडिया स्कीम विद एन एम टू अवॉइड फ्लक्चुएशन इन यार्न प्राइस। पावर टेक्स इंडिया इज अ कम्प्रिहेंसिव स्कीम फॉर पावर लूम सेक्टर डेवलपमेंट। तो ये आपको पता होना चाहिए कि पावर टेक्स इंडिया एक्चुअली है क्या। इट इज़ अ स्कीम फॉर पावर लूम सेक्टर डेवलपमेंट। यार्न क्या होता है? जैसे अगर आप देखोगे कि कॉटन के जो जो बॉल से धागा, यार्न सिंपली हिंदी में बोलते धागा, तो ये कोई भी हो सकता है, कॉटन हो सकता है, ऊल हो सकता है। तो ये जो कंप्लीट वो जो एक आप जो बोल सकते हो बन जाता है, जिसको फिर वीविंग के लिए यूज़ किया जाता है, वो होता है यार्न। तो उसके प्राइसेस में बहुत फ्लक्चुएशंस होते हैं ड्यू टू डिमांड इन मार्केट, डोमेस्टिक में कुछ उतार चढ़ाव हुआ। तो उस चीज़ को रोकने के लिए कि उस सेक्टर में जो जो हमारे डोमेस्टिक मार्केट्स है उनको मतलब वो फ्लक्चुएशन से इफेक्ट ना हो, तो ये जो स्कीम है यार्न बैंक स्कीम, ये लॉन्च किया गया है। बाय हुम? द मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स। नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर इज इम्प्लीमेंटिंग द स्कीम ऑफ राष्ट्रीय गोकुल मिशन टू कंजर्व एंड डेवलप इंडिजिनियस ब्रीड्स इन अ फोकस्ड एंड साइंटिफिक मैनर। इंडिजिनियस ब्रीड्स, ये स्पेशली आपका जो कैटल ब्रीडिंग होता है, तो उसका जो उसको और अच्छे से करने के लिए और फोकस्ड और साइंटिफिक वे में करने के लिए ये मिशन इंट्रोड्यूस किया गया है। तो आपको क्वेश्चन इसमें से दो आ सकता है कि राष्ट्रीय गोकुल मिशन किस लिए है,
तो उसमें आपका सिंपली आंसर होगा टू कंजर्व एंड डेवलप इंडिजिनस ब्रीड्स इन अ फोकस्ड एंड साइंटिफिक मैनर, कुछ इंग्लिश घुमा फिरा के देगा। या तो आपका क्वेश्चन दे सकता है विच ऑफ द स्कीम्स हैज बीन इंप्लीमेंटेड बाय द गवर्नमेंट टू डेवलप इंडिजिनस ब्रीड्स, तो आपका आंसर होगा राष्ट्रीय गोकुल मिशन। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च्ड एन ऑनलाइन कैंपेन, ये इंपॉर्टेंट है, वेब वंडर वुमेन टू डिस्कवर एंड सेलिब्रेट द एक्सेप्शनल अचीवमेंट्स ऑफ वुमेन। तो ये आपका क्वेश्चन आ सकता है। देखिए जब आप पढ़ रहे हो करेंट अफेयर्स या कोई भी सब्जेक्ट, तो आप हमेशा ऐसे सोच के पढ़िए कि क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है, तो इससे आपको और अच्छे से वो दिमाग में घुसेगा। मतलब जस्ट ऐसा नहीं कि ब्लाइंडली पढ़े जा रहे तो पढ़े जा रहे, ऐसे मत कीजिए, अच्छे से एनालाइज कीजिए एक एक पॉइंट को कि कैसे उस पर क्वेश्चंस आ सकते हैं। चलिए, मिनी मोमेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हैज़ बिन साइंड बिटवीन इंडियन हाईवेज मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड IMHCL एंड लीडिंग ऑयल मार्केटिंग कंपनीज फॉर सेल ऑफ फास्ट टैग्स थ्रू देयर पेट्रोल पंप्स। तो ये फास्ट टैग्स क्या होता है? जैसे आप एक सिटी से दूसरे सिटी जा रहे हो हाईवे के ऊपर से, तो आपको जो टोल नाका होता है वहाँ पे आपको जो टोल पे करना पड़ता है, तो वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग एक एक्टिविटी रहता है। आप गाड़ी वहाँ पे रोकते हैं, फिर आपको एक लाइन रहता है लंबा सा, फिर आप पैसे देते हो, आपको फूड वो चेंज रिटर्न देता है। तो इस ये जो प्रोसेस है इसको फास्ट करने के लिए फास्ट टैग्स का इंट्रोड्यूशन होता है। तो इसमें क्या होता है, गाड़ी में जैसे आपका कोई कुछ स्टिकर जैसे कुछ चिपका रहेगा, तो एक ऑटोमेटिक मशीन हो सिस्टम होगा, ऑटोमेटेड मशीन सिस्टम, जिससे वो आपका टैग रीड हो जाएगा और ऑटोमेटिकली आपके किसी अकाउंट से वो पैसे कट जाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, फास्ट टैग इनेबल्स ऑटोमेटिक डिडक्शन ऑफ टोल चार्जेस एंड लेट्स यू पास थ्रू द टोल प्लाजा विदाउट स्टॉपिंग फॉर द कैश ट्रांजेक्शन। तो इससे आपका बहुत ही टाइम सेव होगा और वो जो जैम लगता है टोल प्लाजास पे, तो वो भी बहुत रिड्यूस हो जाएगा। नेक्स्ट, एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया बैन सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम्स लाइक स्ट्रॉज, प्लास्टिक कटलरी, प्लास्टिक प्लेट्स एक्सेट्रा। देखिए जो स्ट्रॉज है, कटलरी है, प्लास्टिक के प्लेट्स है, ये एक बार यूज़ करके लोग उसको फेंक देते हैं, तो उसका कोई रीयूज सही से नहीं हो पाता। अगर प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट हो रहा है तो अलग बात है, बट ये सब सिंगल यूज़ के प्लास्टिक आइटम्स है, तो एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैज़ बैन दिस सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम्स। चलिए अगला, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस टू बी रीनेम्ड एज इंडियन फॉरेस्ट एंड ट्राइबल सर्विस अकॉर्डिंग टू द रिकमेंडेशन मेड बाई द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स। तो अभी तक इतने सालों से जो हम जानते थे इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, तो उसका अब से नाम हो जाएगा इंडियन फॉरेस्ट एंड ट्राइबल सर्विस। तो इससे ऐसा क्वेश्चन आ ही सकता है कि व्हाट इज द इंडियन फॉरेस्ट सर्विस टू बी रीनेम्ड एज, या तो आपका ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस हैज बीन रीनेम्ड एज इंडियन फॉरेस्ट एंड ट्राइबल सर्विस बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो उसमें आपके ऐसे बहुत चार पांच ऑप्शन रहेंगे, तो आपको टिक लगाना है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स NCST। चलिए अगला पॉइंट देखिए, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इस एग्ज़ाम के लिए, प्रवासी भारतीय दिवस। ये जो पॉइंट है इसमें इतने सारे क्वेश्चंस है। पहला, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को। ठीक है, 9 जनवरी को क्यों प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है? यही वो दिन था जब महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से इंडिया आए थे 1915 साल में। जी हाँ, महात्मा गांधी केम फ्रॉम साउथ अफ्रीका टू मुंबई ऑन 9th of January 1915, और यही दिन को सिलेक्ट किया गया है टू सेलिब्रेट प्रवासी भारतीय दिवस। तो हर साल मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इसको धूमधाम के साथ इसको ऑर्गेनाइज करती है, जिसमें डिग्निटरीज बुलाए जाते हैं बाहर के देशों से, और अपने इधर मतलब नेशनल मिनिस्टर्स भी रहते हैं, और ये अच्छे से मनाया जाता है। तो इस साल का जो प्रवासी भारतीय दिवस था वो मनाया गया था वाराणसी में। वाराणसी को हम स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। तो इससे जो क्वेश्चन आ सकते हैं कि इस साल का प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ मनाया गया था, तो जी हाँ, उसका आंसर है वाराणसी। ये क्वेश्चन आ सकता है, ये हिस्ट्री का भी क्वेश्चन हो गया थोड़ा, कि प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है। या तो ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि महात्मा गांधी कौन से दिन में इंडिया आए थे, तो आपको पता होना चाहिए 9 जनवरी 1915। तो देखिए एग्जाम्स जो बनाए जाते हैं ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू से ही बनाए जाते हैं कि आपको दो जो टॉपिक है इसमें देखिए तीन चीज़ें मिक्स हो रही है, स्टैटिक जीके मिक्स हो रहा है, हिस्ट्री भी मिक्स हो रहा है, और थोड़ा करंट अफेयर्स भी मिक्स हो रहा है। तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि कोई स्टूडेंट बोलेगा कि ये तो भाई हिस्ट्री का क्वेश्चन है, कोई बोलेगा तो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, तो ऐसे क्वेश्चन हमेशा पेपर में आते रहते हैं। इस साल का थीम क्या है, रोल ऑफ इंडियन डायस्पोरा इन बिल्डिंग अ न्यू इंडिया। ये डायस्पोरा वर्ड से इतना घबरा मत जाइए, डायस्पोरा का हिंदी मतलब है प्रवासी।
अच्छा ये इम्पॉर्टेंट है, इस साल का जो इवेंट हुआ था उसमें चीफ गेस्ट कौन थे? इसमें चीफ गेस्ट थे प्राइम मिनिस्टर ऑफ मॉरिशियस श्री प्रविंद जुगनाथ। जी हाँ, तो ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, हु इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ मॉरिशियस? श्री प्रविंद जुगनाथ। फिर आप बोलेंगे भाई हर देश का ऐसे प्राइम मिनिस्टर कैसे पढ़ने बैठे। देखिए क्वेश्चन हमेशा ऐसे ही आता है कि कोई एक इम्पॉर्टेंट वो न्यूज़ में आए होंगे तभी वैसे वो क्वेश्चन आता है। आपको ये जो इतने सारे कंट्रीज़ है, 190 191 कंट्रीज़ है, सबके प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट के नाम पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप लास्ट 6 7 महीने का करंट अफेयर्स उठा लीजिए, आप ये देखिए कि कौन से प्राइम मिनिस्टर कौन से प्रेसिडेंट रिसेंट न्यूज़ पे आए हैं कि रिसेंटली किसी का इलेक्शन हुआ है, तो वही क्वेश्चन ही घुमा फिरा के आते हैं। चलिए अगला पॉइंट, 3 न्यू एम्स कहाँ कहाँ पे? विजयनगर एट सांबा डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू रीजन, अवंतीपुरा इन पुलवामा ऑफ कश्मीर रीजन, एंड राजकोट इन गुजरात। ये आपको याद होना चाहिए। बहुत बार क्वेश्चंस ऐसे भी आ जाते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस न्यू एम्स हैज बीन सिलेक्टेड और इनॉग्रेटेड, तो उसमें शायद से हो सकता है कि आपको ये सारे ऑप्शन दे रहे, एक कोई फोर्थ ऐसा ऑप्शन रहेगा जो इन नामों में नहीं है, तो वो नहीं है, ऐसा करके आ सकता है। या तो आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग न्यू एम्स हैज बीन इनॉग्रेटेड, तो आपके तीनों ऑप्शंस रहेंगे और एक ऑप्शन रहेगा ऑल ऑफ द अबव। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए भी आप प्रिपेयर्ड रहिए। चलिए नेक्स्ट, अटल टिंकरिंग लैब हैंडबुक नए दिशाएं नए निर्माण नया भारत वॉज रिलीज बाई नीति आयोग अटल इनोवेशन मिशन। अटल इनोवेशन मिशन के बारे में तो आपको पता ही होगा, ये एक मिशन है ऑफ नीति आयोग टू प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन, और जो टैलेंटेड बंदे हैं उनको आगे लाने के लिए, और उसी के लाइंस पे ये अटल टिंकरिंग लैब का वो हुआ था, मतलब अटल टिंकरिंग लैब को प्रमोट किया गया था। अभी वो अपना हैंडबुक लॉन्च किए हैं जिसका नाम है नई दिशाएं नए निर्माण नया भारत, तो ये इम्पोर्टेंट है इसका हैंडबुक का नाम। चलिए, वुमेन ऑफ इंडिया ऑर्गेनिक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इन चंडीगढ़, आ सकता है क्वेश्चन, तो बस यही आएगा कि कहाँ पे हेल्ड हुआ था। नेशनल यूथ डे January 12th। देखिए वैसे तो हम इम्पोर्टेंट डेट्स अलग से कवर करेंगे, बट यहाँ पे मैंने इसलिए इसको इन्वॉल्व कर दिया क्योंकि इट इज़ द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ स्वामी विवेकानंद। जी हाँ, स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस को हम नेशनल यूथ डे हिसाब से सेलिब्रेट करते हैं। चलिए आगे, टाइम्स हायर एजुकेशन इमर्जिंग इकोनॉमीज यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2019, इसमें सिर्फ और सिर्फ हमारा जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है उसने टॉप किया है विद द रैंकिंग्स अमंग इंडियन इंस्टीट्यूट्स विद 14th रैंक। तो हम मान सकते हैं कि बेस्ट इंस्टीट्यूट इन इंडिया इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। यूनियन मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स हरदीप सिंह पुरी लॉन्च द ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी द चैलेंज इज अंडरटेकन अंडर द प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन। तो कौन सा लॉन्च किया है चैलेंज? ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज। अच्छा, ये जो यूनियन मिनिस्टर्स है ये अभी चेंज हो जाएंगे। कोशिश करूंगा अगर 4 तारीख से पहले एक वीडियो ला पाऊँ कि जो नए मिनिस्टर्स बन रहे हैं तो उसका एक लिस्ट ला पाऊँ। तो अभी आप इस आने वाले जो 3 4 वीडियोस हैं उनमें जब भी आप ये मेंशन देखें कि मिनिस्टर ऑफ ये, तो ये देन यूनियन मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग, मतलब ये जब लॉन्च किया गया था उस टाइम पे यूनियन मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स कौन थे? और ये आता है क्वेश्चन, जैसे आपको मैं समझा रहा था कुछ देर पहले कि इनॉग्रेशन से क्वेश्चन आ जाते हैं कि ये किसने लॉन्च किया, ये किसने इनॉग्रेट किया, तो वो भी आपको पता होने चाहिए, स्पेशली जब कोई मिनिस्टर है या स्पेशली प्राइम मिनिस्टर है या प्रेसिडेंट है, वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कमिटी हेडेड डेप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर उमेश सिन्हा हैज सबमिटेड द रिपोर्ट ऑन रिविजिटिंग द सेक्शन 126 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट। आपको पता है ये सेक्शन 126 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट क्या है? ये बेसिकली जैसे वोटिंग के दिन जो आते हैं, पोल्स के दिन आते हैं, उसके 48 आवर्स से पहले आप कैंपेनिंग नहीं कर सकते, आप आपके पार्टी का प्रचार नहीं कर सकते, आप पब्लिक मीटिंग्स ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते हैं, तो ये आपके आता है सेक्शन 126 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट। तो यही कमिटी बनाया गया था जिसका हेड थे उमेश सिन्हा, तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की है। चलिए, यूनियन मिनिस्टर फॉर सिविल एविएशन सुरेश प्रभु, फिर से मैं बता रहा हूँ ये सारे मिनिस्टर्स अभी फिर से चेंज होंगे क्योंकि फिलहाल अभी अभी रिजल्ट निकले हैं, बीजेपी जिसमें विजयी हुई है, तो अभी उनका चल रहा है प्रोसेस कि वो अब नए मिनिस्टर्स कौन है, तो ये उस टाइम के जो मिनिस्टर्स थे उनके नाम यहाँ लिए गए हैं।
यूनियन मिनिस्टर फॉर सिविल एविएशन सुरेश प्रभु रिलीज द विजन 2040 डॉक्यूमेंट इन द ग्लोबल एविएशन समिट 2019। द ग्लोबल एविएशन समिट 2019 इज ऑर्गेनाइज इन मुंबई विद द थीम फ्लाइंग फॉर ऑल। तो ये बस याद रखिए कि कौन सा विजन, कौन सा मिशन लॉन्च किया गया है, तो विजन 2040 डॉक्यूमेंट, और कहाँ पे लॉन्च किया गया है, ग्लोबल एविएशन समिट। ग्लोबल एविएशन समिट इस बार कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया है, मुंबई में, और इस बार के ग्लोबल एविएशन समिट का थीम क्या था, फ्लाइंग फॉर ऑल। देखिए फ्लाइंग फॉर ऑल जो वर्ड है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हाल ही में जो हमारे यूनियन गवर्नमेंट का स्कीम है उड़ान, उड़े देश का आम नागरिक, तो उससे भी क्वेश्चंस आने लगे हैं, तो वो भी हम आगे देखेंगे, तो ये थोड़ा ध्यान में रखिए। सक्षम वैंस, सक्षम का फुल फॉर्म क्या है, संरक्षण क्षमता महोत्सव। सक्षम वैंस वॉज फ्लैग्ड ऑफ बाई यूनियन मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस धर्मेंद्र प्रधान टू प्रोमोट एंड क्रिएट अवेयरनेस एमंग पीपल ऑन द नीड ऑफ ऑयल एंड गैस कंजर्वेशन फॉर द फ्यूचर एंड मेथड्स टू इट। तो इसमें चलिए कुछ खास समझाने वाली बात तो नहीं है, तो क्वेश्चन सिंपली आ सकता है कि किन्होंने इनोग्रेट किया था सक्षम वैंस, सक्षम वैंस है क्या, इसका फुल फॉर्म आ सकता है, तो इतना क्वेश्चन आ सकता है। देखिए अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, अभी तक सिक्किम में कोई एयरपोर्ट नहीं था। जो लोग सिक्किम को बाय एयर एक्सेस करना चाहते थे वो वेस्ट बंगाल के सिलीगुड़ी में बागडोगरा एयरपोर्ट होके फिर सिक्किम जाते थे। तो अभी सिक्किम का पहला एयरपोर्ट पाक्योंग एयरपोर्ट बना है। तो फॉर द फर्स्ट टाइम एंटोनोव 32 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट ऑफ द इंडियन एयरफोर्स कैरिड आउट अ सक्सेसफुल लैंडिंग एट सिक्किम्स पाक्योंग एयरपोर्ट, और बहुत जल्दी इसमें कमर्शियल ऑपरेशंस भी स्टार्ट हो जाएंगे। तो इधर से क्वेश्चन बहुत ही हाई चांसेस है कि ये वाले पॉइंट से कुछ क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाए। तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर एदापद्दी के पलनी स्वामी रिलीज टू कॉमेमोरेटिव कॉइन्स इन द डिनोमिनेशंस ऑफ ₹100 एंड ₹5 टू मार्क द 102nd बर्थ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर एम जी रामाचंद्रन। देखिए ये डॉक्टर एम जी रामचंद्रन तमिलनाडु के एक बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी है, ये चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं तमिलनाडु के, और ये बहुत ही फेमस एक एक्टर और फिल्म मेकर थे। तो इनसे भी थोड़ा क्वेश्चन ध्यान में रहिए, आ सकता है कि रिसेंटली तमिलनाडु में किन के नाम पे कॉमेमोरेटिव कॉइन्स लॉन्च किया गया था, तो कौन होंगे, एम जी आर, डॉक्टर एम जी रामचंद्रन। आईआईटी हैदराबाद लॉन्चेस बीटेक कोर्स इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यूनियन मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ऑर्गेनाइज्ड अ फोर्टनाइट ऑफ इवेंट्स नेम शहरी समृद्धि उत्सव ऑल ओवर द कंट्री विथ एन एम टू एक्सटेंड द आउटरीच ऑफ दीनदयाल अंत्योदया योजना नेशनल अर्बन लाइवलीहुड्स मिशन। तो दीनदयाल अंत्योदया योजना को प्रमोट करने के लिए, उसका उसका और मतलब प्रचार करने के लिए ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया, शहरी समृद्धि उत्सव। मोदी जी इनॉग्रेटेड द नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडियन सिनेमा एट फिल्म डिविजन्स ऑफ इंडिया प्रीमिसेस इस मुंबई। इसमें तो एकदम सीधे सीधे क्वेश्चन है कि किसने इनॉग्रेट किया ऐसे कुछ, मुझे तो लगता है जगह से ज़्यादा आपको ये क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि हु इनॉग्रेटेड द नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडियन सिनेमा लुकिंग एट द रिसेंट पैटर्न्स ऑफ एग्जाम्स विच आर कमिंग। तो आप ध्यान रखिए कि किन्होंने इनॉग्रेट किया है और कहाँ पर इसका इनॉग्रेशन हुआ है। वर्ल्ड इंटीग्रेटेड मेडिसिन फोरम 2019 ऑन होम्योपैथी हेल्ड एट गोवा, सिंपल सा पॉइंट है। Microsoft India launched a new e-commerce platform Reweave.in under Project Reweave to aid handloom weavers. तो नाम से ही देखिए आपको समझ में आ ही रहा होगा Reweave.in, तो weavers के लिए एक platform है, किसने launch किया है, Microsoft India। Union Minister for Railways, ये उस time के minister थे, Union Minister for Railways Piyush Goyal instructed the caterers at Varanasi एंड रायबरेली, ये दो स्टेशन के नाम इंपॉर्टेंट है, टू यूज टेराकोटा मेड कुल्हर्स ग्लासेस एंड प्लेट्स बेस्ड ऑन रिकमेंडेशन बाई खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन। ये बात घूम फिर के बात वो एनवायरमेंट के ऊपर की आ गई कि प्लास्टिक के प्लेट्स, प्लास्टिक के कप्स, इसका यूज बंद करने के लिए, तो ये एक इनिशिएटिव लिया गया कि इन स्टेशंस के जो कैटरर्स है वाराणसी और रायबरेली स्टेशंस में, इनमें कैटरर्स को इंस्ट्रक्शन दिया गया कि आप कुल्हड़ों का इस्तेमाल कीजिए, आप प्लास्टिक कप्स का इस्तेमाल मत कीजिए। अच्छा हाँ, ये किसके रिकमेंडेशन पे हुआ ये भी इंपॉर्टेंट है, बाई खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। चलिए
यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज शिपिंग श्री नितिन गडकरी इनॉग्रेटेड अ 1210 मीटर स्पैन ब्रिज ओवर द रिवर रावी इन कथुआ डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो इसमें से किन्होंने इनॉग्रेट किया, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। जो स्पैन ब्रिज इनॉग्रेट किया वो कौन से नदी के ऊपर है, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका बन जाता है, और कहाँ किस स्टेट में। चलिए, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, ये ऑलमोस्ट बहुत ही फेमस एक पोर्ट है इंडिया का, मुंबई में। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट हैज़ बिकम इंडियाज़ ओनली पोर्ट टू गेट लिस्टेड अमंग टॉप 30 ग्लोबल कंटेनर पोर्ट्स इन लॉयड्स टॉप 100 कंटेनर पोर्ट्स रिपोर्ट, और इसका रैंक 20 है। तो ये देखिए, पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कौन सा पोर्ट इंडिया का एकमात्र पोर्ट है जो टॉप 30 कंटेनर पोर्ट्स में रैंक दिया गया है। तो क्या होगा, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट कहाँ पे है, मुंबई पे है, महाराष्ट्र, और इसका कौन सा रैंक है वो भी इंपॉर्टेंट है, 28 रैंक। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। January 24th, देखिए डेज का क्लास अलग से लेंगे, बट इधर पे मेंशन कर दिया क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट इसमें पॉइंट है, January 24th इज सेलिब्रेटेड एज नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। इसका अलग से मेरा इसको मेंशन करने का ये क्या बोल सकते हैं आप, इम्पॉर्टेंस ये था क्योंकि इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड जो है वो October 11th को है। तो इधर पे देखिए दो कन्फ्लिक्टिंग हो जाता है और मैक्सिमम कैंडिडेट्स यहाँ पे कन्फ्यूजन कर देते हैं। नेशनल गर्ल चाइल्ड डे है आपके January 24th को, बट इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड है आपके October 11th को। इस साल का थीम क्या है नेशनल गर्ल चाइल्ड डे का, एम्पावरिंग गर्ल्स फॉर ए ब्राइटर टुमारो। अगला पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट, नारी शक्ति जो है हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर के हिसाब से माना गया ऑफ 2018 बाई ऑक्सफोर्ड डिक्शनरीज। यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव द सेटिंग अप ऑफ नेशनल बेंच ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एपलेट ट्रिब्यूनल, इट विल बी हेडक्वार्टर्ड इन न्यू दिल्ली। तो सीधे सीधे इधर क्वेश्चन आ सकता है कि कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर होगा और इसका मतलब कौन सा बेंच सेटअप किया गया है और गुड्स एंड सर्विसेज के लिए। नेक्स्ट, 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो कि अगर आप रिसेंटली न्यूज़ पे देखोगे, जो 10% कोटा अनाउंस किया गया फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, तो इससे क्वेश्चन आ सकता है कि ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से हुआ है। तो क्या होगा आपका आंसर, 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है। तो सिविक्स का क्वेश्चन, बट ये रिसेंटली थोड़े चर्चे में है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसको थोड़ा रिविजिट करेंगे, इसके ऊपर और थोड़ी कमेटी बिठाई जाएगी जिससे इसके ऊपर कुछ चेंजेस हो सकते हैं। चलिए अगला पॉइंट, पीएम मोदी हैज़ इनॉग्रेटेड विद इन द रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स। तो रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या क्या इनॉग्रेट किया है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस म्यूजियम, यादें जलियन म्यूजियम, तो नाम से ही पता चलता है कि जलियन वाला बाग के ऊपर ये म्यूजियम है, म्यूजियम ऑन 1857 इंडियाज़ फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, एंड दृश्य कला म्यूजियम ऑफ इंडियन आर्ट। तो ये कौन कौन से म्यूजियम इनॉग्रेट किए हैं रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स के अंदर, ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन सिंपली आपको घुरा फिरा के ऐसे दे सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इनॉग्रेटेड, ऐसे करके दे सकता है। तो इनमें से कोई तीन ऑप्शंस में तो रहेंगे ही, प्लस एक ऐसा ऑप्शन रहेगा जो इसमें नहीं है, तो आपको ये पता होने चाहिए। चलिए अगला पॉइंट, ये थोड़ा ये अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, IRCTC हैज लॉन्च्ड अ न्यू ट्रेन सामंता एक्सप्रेस। सामंता एक्सप्रेस ऑन February 14, डेट इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, फ्रॉम नागपुर, विच विल कवर प्रोमिनेंट प्लेसेस एसोसिएटेड विद गौतम बुद्ध एंड चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। तो अम्बेडकर जी और गौतम बुद्ध के रिलेटेड प्लेसेस को कवर करेगी ये न्यू ट्रेन जिसका नाम है सामंता एक्सप्रेस। तो कौन कौन से प्लेसेस कवर कर लेंगे, चलिए उनको देख लेते हैं। चैत्य भूमि जो मुंबई में है, तो वो क्या है कि डॉक्टर अम्बेडकर की समाधि इधर है। माओ जो इंदौर में है, अंबेडकर जी का जन्म हुआ था इधर पे, ये जन्म स्थल है उनका। बोध गया जी सभी जानते हैं इधर कि बुद्ध जी जो है वहाँ इनको एनलाइटमेंट मिला था बोध गया में एक बोधी ट्री के नीचे। सारनाथ, जब बुद्ध को एनलाइटमेंट मिला था तो उसके बाद जो अपनी पहली शिक्षा दी थी जिसको हम बोलते हैं सरमन, फर्स्ट सरमन, वो था सारनाथ में। लुम्बिनी जी हम जानते हैं, लुम्बिनी है कि गौतम बुद्ध का जन्म स्थान। कुशीनगर, गौतम बुद्ध आप अपने मतलब मृत्यु के बाद जो परिनिर्वाण हासिल किए थे वो कहाँ था, कुशीनगर। दीक्ष भूमि, अंबेडकर जी बुद्धिज्म में कन्वर्ट हुए थे दीक्ष भूमि जो कि नागपुर में है। तो ये सब इंपॉर्टेंट प्लेसेस ये ट्रेन कवर करेंगी, तो ये वाला जो पॉइंट है इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। चलिए अगला पॉइंट, द स्वीडिश एरोस्पेस एंड डिफेंस कंपनी साब
तो ये एक इम्पॉर्टेंट है। एंड एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैव साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू एक्सप्लोर एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट ATM सॉल्यूशंस फॉर एयरपोर्ट्स ऑपरेटिंग अंडर द रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम ईरान। देखिए बार बार मैं आपको जो बोल रहा हूँ, ये उड़ान जो है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट, अभी जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स है उनमें से थोड़ा अभी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारा जो पॉइंट्स है इसमें कवर हो रहा है। पाक्योंग एयरपोर्ट लॉन्च हुआ सिक्किम में, वो भी इसी स्कीम के अंतर्गत लॉन्च हुआ। ये रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के ऊपर अलग अलग मतलब साप को कॉन्ट्रैक्ट मिला कि आप हमारा जो एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सॉल्यूशंस है उसके ऊपर आप काम करें। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2018 रिलीज्ड बाय ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। तो ये क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि विच ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन रिलीजेस द करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, तो आपका आंसर होगा ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, जिसके हिसाब से डेनमार्क इज़ द वर्ल्ड्स लीस्ट करप्ट कंट्री, डेनमार्क, और इंडिया का रैंक आता है 78। तो यूजुअली इंडिया के रैंक्स इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ये आप ध्यान रखिएगा, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में इंडिया का रैंक है 78। इंडिया विल प्रिसाइड एंड होस्ट द G20 समिट इन 2022। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि हु विल होस्ट द G20 समिट इन 2022, आपका आंसर होगा इंडिया। इंडियाज़ फास्टेस्ट इंजिन इंडिजिनस ट्रेन, तो ये बहुत चर्चे में था कुछ दिन पहले, ट्रेन ट्रेन 18 जो इंडिया का फास्टेस्ट ट्रेन है, और इट इज़ अ वेरी गुड मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। तो इंडिया का जो फास्टेस्ट इंडिजिनस ट्रेन है ट्रेन 18, नेम्ड इसको नाम दिया गया है वंदे भारत एक्सप्रेस, वंदे भारत एक्सप्रेस। और ये कहाँ से कहाँ जाएगा, ये होगा आपके दिल्ली से वाराणसी। इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजिनस ट्रेन ट्रेन 18 नेम्ड एज वंदे भारत एक्सप्रेस विल प्लाई बिटवीन दिल्ली एंड वाराणसी। इस पॉइंट को आप नोट कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये कहाँ पे बिल्ट हुआ है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। चलिए अगला पॉइंट, दिल्ली गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू इंट्रोड्यूस द मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP फॉर फार्मर्स बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स हेडेड बाई एम एस स्वामीनाथन। तो कमीशन कौन हेड कर रहा है वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है, कि हु वॉज द हेड ऑफ द रिकमेंड हु वॉज द हेड ऑफ द कमीशन हु रिकमेंडेड दिल्ली गवर्नमेंट टू इंट्रोड्यूस द मिनिमम सपोर्ट प्राइस, MS स्वामीनाथन। ओके अगला क्वेश्चन, अगला टॉपिक, जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष फर्स्ट लोकपाल। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस साल के SSC एग्जाम के लिए, क्योंकि पहले लोकपाल जो सिलेक्टेड हुए हैं पिनाकी घोष। लोकपाल सर्च कमिटी हेडेड बाय फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज रंजना प्रकाश देसाई, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, हु हेडेड द लोकपाल सर्च कमिटी, तो कौन है, रंजना प्रकाश देसाई। अच्छा इसमें एक कंफ्यूजन पॉइंट ये है, लोकपाल सर्च कमिटी और लोकपाल सिलेक्शन कमिटी। लोकपाल सिलेक्शन कमेटी के हेड होते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर, और लोकपाल सर्च कमेटी एक ऐसा कमेटी सेटअप किया गया जो नाम निकालेगा, कि मतलब जो नॉमिनेशंस देगा कि कौन कौन लोकपाल हो सकते हैं, और उनमें से एक दो नाम सिलेक्ट करके वो सिलेक्शन कमेटी को देंगे, फिर फाइनली सिलेक्शन कमेटी डिसाइड करेगा कि कौन लोकपाल होगा। द नेम्स प्रपोज्ड बाई द सर्च कमिटी वुड बी स्क्रूटनाइज्ड बाई द सिलेक्शन कमिटी। सिलेक्शन कमिटी में कौन कौन होता है ये भी इम्पॉर्टेंट है। सिलेक्शन कमिटी इज हेडेड बाई प्राइम मिनिस्टर, और कौन कौन रहता है, स्पीकर ऑफ लोकसभा, लीडर ऑफ अपोजिशन। ऐसा नहीं कि भाई कि आप मतलब रूलिंग पार्टी हो कि आप ही के सब लोग हो, ऐसा भी नहीं होता। लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा वो भी रहेंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और एक एमिनेंट जूरिस्ट होंगे जो कि नॉमिनेटेड होंगे बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका पॉइंट बन जाता है, ये फर्स्ट लोकपाल पिनाकी घोष। January 30 मार्टिस डे, January 30 को मार्टिस डे क्यों मनाया जाता है, क्योंकि ये डेथ एनिवर्सरी है ऑफ महात्मा गांधी। 1948 January 30 को इनका असैसिनेशन हुआ था, तो इसी दिन को मनाया जाता है शहीद दिवस। डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रोमोशन DIPP हैज़ बीन रिनेम्ड एज द डिपार्टमेंट फॉर प्रोमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। तो देखिए ऐसे डिपार्टमेंट्स के नाम अदला बदली हुए इस साल, जैसे इंडियन फॉरेस्ट सर्विस कुछ देर पहले ही हमने पढ़ा था, और ये अभी डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रोमोशन, इसका नाम हुआ है चेंज, इसका नाम किया गया है डिपार्टमेंट फॉर प्रोमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। इट विल वर्क अंडर द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं, 12th एडिशन ऑफ एयरो इंडिया, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट है, जिसमें हम हमारे जो एयर फोर्स की कैपेबिलिटीज़ है उसको हम शोकास करते हैं, हमारे एयर पावर को शोकास करते हैं। तो एयरो इंडिया 2019 हेल्ड एट एयरफोर्स स्टेशन एट यलहंका इन बेंगलुरु। तो इससे क्वेश्चन आ जाता है कि कहाँ पे एयरो इंडिया 2019 हुआ था, तो ये कहाँ पे हुआ था, बेंगलुरु पे।
व्हाट्सएप हैज़ अनाउंस स्टार्टअप इंडिया व्हाट्सएप ग्रैंड चैनल ग्रैंड चैलेंज इन कोलाबोरेशन विद इन्वेस्ट इंडिया एस्टैब्लिश अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री टू एंकरेज एंटरप्रेन्योर्स एंड स्मॉल बिजनेसेस इन इंडिया। तो इससे क्वेश्चन आ सकता है कि हु हैज़ अनाउंसड द स्टार्टअप इंडिया चैलेंज रिसेंटली टू प्रोमोट एंटरप्रेन्योर्स एंड स्मॉल बिजनेसेस। तो व्हाट्सएप ने किया था। कौन से स्टार्टअप के साथ मिलकर इसने किया था? इन्वेस्ट इंडिया। तो ये मुझे तो लगता है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मद्रास हाई कोर्ट रूल्स अगेंस्ट नेगेटिव मार्किंग इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। सारे स्टूडेंट्स का सबसे बड़ा हेडेक, नेगेटिव मार्किंग क्या होगा, कुछ गलत दे नहीं सकते। तो चलिए, मद्रास हाई कोर्ट ने आपका पूरा थिंकिंग ही अच्छा कर दिया कि चलो, मद्रास हाई कोर्ट रूल्स अगेंस्ट नेगेटिव मार्किंग इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। रोड सेफ्टी वीक इनिशिएटिव ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज एम टू इंक्रीज पब्लिक अवेयरनेस अबाउट ट्रैफिक रूल्स फर्स्ट वीक ऑफ फेब्रवरी। डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज एक्सरसाइज राहत। तो ये इंपॉर्टेंट है। डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज जो रिसेंटली हेल्ड हुआ था उसका नाम क्या था? एक्सरसाइज राहत। डेमोन्स्ट्रेटेड इन जयपुर। कहाँ पे हुआ था? कहाँ कहाँ पे हुआ था? जयपुर, कोटा एंड अलवर इन राजस्थान। ठीक है, तो इसमें कौन कौन पार्टिसिपेंट्स थे? जॉइंट पार्टिसिपेशन ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट रिस्पॉन्स मैकेनिज्म NDMRM एंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ऑफ राजस्थान। चलिए, सीधे सीधे ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि हु इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट LPG कंज्यूमर। तो याद रखिए, इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट LPG कंज्यूमर एंड इम्पोर्टर, और फर्स्ट है चाइना। तो ये याद रखना उतना डिफिकल्ट नहीं है। पॉपुलेशन भी चाइना का सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो वो भी सबसे ज़्यादा LPG कंज्यूम करते हैं पूरे वर्ल्ड में, और सेकेंड नंबर पर इंडिया। इंटरनेशनल IP इंडेक्स 2019 ये है, रिलीज़ किया गया है US चैम्बर ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर, और इंडिया का इसमें रैंक है 36। ये बेसिकली एक इंडेक्स है इंटरनेट प्रोटोकॉल के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको कौन कहीं से सही से फॉलो करता है, किसके कंट्री का IP सिस्टम कितना ज़्यादा सिक्योर है, तो ये सब चीज़ों को लेके इंडेक्स बनाया जाता है। तो इंडिया का रैंक है इसमें 36। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि इंडिया का रैंक क्या है, और ये आ सकता है कि इंटरनेशनल IP इंडेक्स किसके द्वारा रिलीज किया जाता है। तो US चैम्बर ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर। पार्ट टू ऑफ द दरवाज़ा बंद कैंपेन, ये कैंपेन का नाम थोड़ा इंपॉर्टेंट है, जो कि स्वच्छ भारत मिशन के अंडर ये है। दरवाजा नाम सुन के ही आपको समझ में आना चाहिए। दरवाज़ा बंद कैंपेन लॉन्च्ड अंडर द स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन टू प्रमोट द यूज ऑफ टॉयलेट्स एंड टू सस्टेन द ओपन डेफिकेशन फ्री स्टेटस ऑफ विलेजेस। चलिए, अगले वोट के लिए लॉन्च हुआ है वोटर वेरिफिकेशन एंड इंफॉर्मेशन प्रोग्राम VVIP लॉन्च्ड बाय द इलेक्शन कमीशन टू हेल्प सिटीजन्स वेरीफाई देयर नेम्स इन द इलेक्टोरल रोल्स रजिस्टर एज न्यू वोटर्स अपडेट वोटर डिटेल्स एंड मेक करेक्शंस इन देयर वोटर आइडेंटिटी कार्ड्स अहेड ऑफ द जनरल इलेक्शन। तो ये थोड़ा नाम इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा चांसेस है किसी किसके फुल फॉर्म पूछा जाए। ऐसे थोड़ा डिटेल दे देगा कि रिसेंटली VVIP हैज़ बीन लॉन्च्ड टू हेल्प एंड दिस एंड ऑल, तो आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ VVIP। तो आपको पता होना चाहिए वोटर वेरिफिकेशन एंड इंफॉर्मेशन प्रोग्राम। द फर्स्ट लवेशिया ह्यूमन राइट्स कॉन्फ्रेंस वॉज ऑर्गेनाइज इन न्यू दिल्ली बाई लवेशिया इन एसोसिएशन विद द बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया। थीम क्या था? स्टेट पावर बिजनेस एंड ह्यूमन राइट्स कॉन्टेम्पोररी चैलेंजेस। तो लॉ एशिया एक्चुअली है क्या? ये एक एसोसिएशन है, सारे मेजर लॉयर्स जजेस ज्यूरिस्ट और उनका एक एसोसिएशन है, और वो एडवोकेट करते हैं लॉयर्स के इंटरेस्ट और कंसर्न्स को एशिया पैसिफिक रीजन में एज ए प्रोफेशन। मतलब ये बोल सकते हो कि लॉयर्स का एक मतलब बहुत मेजर मेजर इंटरनेशनल लेवल पे एक यूनियन है लॉ एशिया। डेरा बाबा नानक लैंड पोस्ट इन गुरदासपुर पंजाब हैज़ बीन डेजिग्नेटेड एज एन इमिग्रेशन सेंटर फॉर विजिटिंग करतारपुर साहिब गुरुद्वारा इन पाकिस्तान। तो ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट एक पॉइंट है कि रिसेंटली कौन से पोस्ट को करतारपुर साहिब गुरुद्वारा जाने के लिए एज एन इमिग्रेशन सेंटर अपॉइंट किया गया है, तो वो है डेरा बाबा नानक लैंड पोस्ट इन गुरदासपुर पंजाब। बारकतुल्ला यूनिवर्सिटी भोपाल टू होस्ट 79th इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस। तो इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस क्या है? ये एक बहुत बड़ा मतलब प्रोफेशनल एक मीटिंग होता है इंडिया के सारे हिस्टोरियंस का, तो वो कहाँ पे इस बार होल्ड हो रहा है? बारकतुल्ला यूनिवर्सिटी इन भोपाल। ई औषधि, तो ई औषधि इसका फुल फॉर्म थोड़ा याद कर लीजिएगा आप, आयुर्वेदा उनानी सिद्ध एंड होम्योपैथी ऑटोमेटेड ड्रग हेल्प इनिशिएटिव। आयुर्वेदा उनानी सिद्ध एंड होम्योपैथी ऑटोमेटेड ड्रग हेल्प इनिशिएटिव पोर्टल
लॉन्च्ड बाय आयुष फॉर ऑनलाइन लाइसेंसिंग ऑफ आयुर्वेदा एंड होम्योपैथी ड्रग्स। ठीक है, एकदम सिंपल सा पॉइंट है, बट इसमें आपको थोड़ा ये फुल फॉर्म याद रखना पड़ेगा कि इसने लॉन्च किया वो याद रखना पड़ेगा, और क्या पर्पस है इसका वो भी थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया IWI लॉन्च्ड अ न्यू पोर्टल लेडीज लीस्ट अवेलेबल डेप्थ टू एड इन इंश्योरिंग ऑफ ऑप्टिमल यूज ऑफ नेशनल वाटरवेज। तो कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? लेडीज लीस्ट अवेलेबल डेप्थ। नेशनल सर्वे ऑन एक्सटेंट एंड पैटर्न ऑफ सब्सटेंस यूज इन इंडिया कंडक्टेड बाई नेशनल ड्रग डिपेंडेंस ट्रीटमेंट सेंटर ऑफ द ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स न्यू दिल्ली। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत ही पॉपुलर पॉइंट है, तो ऐसे सिंपल आ सकता है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एम्बेसडर ऑफ स्वस्थ इम्यूनिस्ट इंडिया कैंपेन? जी हाँ, करीना कपूर खान। यूनियन मिनिस्टर राजनाथ सिंह एंड मिनिस्टर फॉर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ये मिनिस्टर्स देखिए आप ऐसे याद मत रखिए, क्योंकि अभी रिसेंटली ये आज ही शायद से ये डिक्लेरेशन हो गया है, तो 2-3 दिन में कोशिश करेंगे कि आपके लिए एक वीडियो ऐसा बना के ले आए कि कौन कौन नया मिनिस्टर्स हुए हैं, ताकि एग्जाम में यू नेवर नो, ऐसे हो ही सकता है एग्जाम में कि 4 दिन पहले का करंट अफेयर्स आ जाए, बट हालांकि उसके चांसेस कम है क्योंकि अभी तक क्वेश्चन सारे सेट हो गए होंगे। तो यूनियन मिनिस्टर राजनाथ सिंह एंड मिनिस्टर फॉर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट श्री मेनका गांधी हैज़ लॉन्च द इन्वेस्टिगेशन ट्रैकिंग सिस्टम फॉर सेक्शुअल ऑफेंसेस ITSSO। तो कौन सा ट्रैकिंग सिस्टम लॉन्च किया है? इन्वेस्टिगेशन ट्रैकिंग सिस्टम फॉर सेक्शुअल ऑफेंसेस एंड सेफ सिटी इम्प्लीमेंटेशन मॉनिटरिंग प्रोग्राम एज पार्ट ऑफ वुमेन सेफ्टी इनिशिएटिव्स। तो कौन से दो पोर्टल्स लॉन्च किए हैं? तो ये इंपॉर्टेंट है, नाम आपको पूरा याद रखना पड़ेगा, और किसने लॉन्च किया? इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम ERSS। अभी तक जैसे इमरजेंसी नंबर्स आपको पता था, 100 आप कॉल करते हो पुलिस के लिए, 101 आपका होता है फायर के लिए, अभी क्या गया ये जो एंड वुमेन 1019, तो ये सारे नंबर को एक इंटीग्रेटेड नंबर में मर्ज कर दिया गया है जिसका है इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम, जो ही होगा 112। तो आपको सीधे सीधे क्वेश्चन यही आ सकता है कि इसके नाम से आ सकता है कि इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम, और ये भी आ सकता है कि इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम जो है वो एक हेल्पलाइन नंबर कौन सा है। तो आपको ऐसे 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, बहुत क्लोज क्लोज ऑप्शन दिए रहेंगे, जैसे 100 दे दिया गया, 112 दे दिया गया, 122 दे दिया गया, ताकि आप कन्फ्यूज होकर कुछ गलत आंसर दे दो, बट आपको याद रखना पड़ेगा इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम का जो नंबर है वो है 112। प्रधानमंत्री मोदी जी हैज़ फ्लैग्ड ऑफ द फर्स्ट एवर डीजल टू इलेक्ट्रिक कन्वर्टेड लोकोमोटिव एट द डीजल लोकोमोटिव वर्क्स एट वाराणसी उत्तर प्रदेश। तो कहाँ पे ये लॉन्च किया है? वाराणसी उत्तर प्रदेश। हु हैज़ लॉन्च द फर्स्ट एवर डीजल टू इलेक्ट्रिक कन्वर्टेड लोकोमोटिव? प्रधानमंत्री मोदी। और कहाँ पे लॉन्च किया गया है? डीजल लोकोमोटिव वर्क्स एट वाराणसी। वेस्ट बंगाल बिकम्स द स्टेट टू एग्जिट आयुष्मान भारत स्कीम। तो ऐसे सिंपल क्वेश्चन आ जाएगा, विच स्टेट हैज़ रिसेंटली एग्जिट द आयुष्मान भारत स्कीम ऑफ यूनियन गवर्नमेंट? तो आपका आंसर होगा वेस्ट बंगाल। अगला पॉइंट है, यूनियन गवर्नमेंट हैज़ क्लियर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ₹30,274 करोड़ रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम टू कनेक्ट द नेशनल कैपिटल विथ मेरठ थ्रू गाजियाबाद। तो ये उतना इम्पोर्टेंट तो पॉइंट मुझे नहीं लगता है इसमें SSC में आ सकता है, बट फिर भी पढ़ लीजिए। कैबिनेट अप्रूव्स नेशनल इलेक्ट्रॉनिक पॉलिसी 2019 विच एम्स टू पोजिशन इंडिया एज ए ग्लोबल हब फॉर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग एजेसम। तो पॉलिसी का नाम क्या है? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक पॉलिसी। ग्लोबल बिजनेस समिट कहाँ पे हुआ था? न्यू दिल्ली में हुआ था। कौन सी कंपनी का इनिशिएटिव है ग्लोबल बिजनेस समिट? टाइम्स ग्रुप। डेलॉयट हैज अनाउंस द लॉन्च ऑफ इट्स ग्लोबल इनिशिएटिव वर्ल्ड क्लास इन इंडिया फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। तो ये क्वेश्चन सीधे आ सकता है कि विच कंपनी हैज रिसेंटली लॉन्च एन इनिशिएटिव फॉर वुमेन एम्पावरमेंट? तो डेलॉयट, और जो इनिशिएटिव का नाम था वो इम्पोर्टेंट है, वर्ल्ड क्लास। और जबकि देखिए इस क्वेश्चन मतलब इस पॉइंट के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आपको सिंपल से ये मतलब पढ़ लेना चाहिए, मतलब इसे मिस नहीं करना चाहिए कि हु इज़ द CEO ऑफ डेलॉयट? पुनीत रंजन। तो सिंपली ऐसे क्वेश्चन आपको आ जाएगा, फिर आप बोलेंगे कि हमको अब सारे कंपनीज के CEO के नाम भी पढ़ने पड़ेंगे। जी नहीं, आपको जो करेंट अफेयर्स जो न्यूज़ में है उन्हीं से रिलेटेड ही ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ऐसा नहीं कि आपको सारे कंपनी के बैठ के CEO के नाम और MD के नाम आपको भी पढ़ने पड़ेंगे।
The Karnataka High Court has quashed the order of enforcement directorate which froze the bank accounts of Greenpeace India under Foreign Exchange Management Act. तो कुछ दिन पहले ये जो ग्रीन पेस इंडिया बोल के एक एनजीओ है, इनके अकाउंट्स को सीज कर दिया गया था बाय एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। तो कर्नाटका हाई कोर्ट ने उनके ऑर्डर को पूरा खारिज कर दिया गया है। तो अब उनके बैंक अकाउंट्स वो नॉर्मल अब ऑपरेट कर सकते हैं। नेशनल पॉलिसी ऑन सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स 2019 हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय द यूनियन कैबिनेट एम्ड एट डेवलपिंग इंडिया एज अ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट नेशन। तो नेशनल पॉलिसी ऑन सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स, यूनियन मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट थावरचंद गहलोत। ये मिनिस्टर्स के नाम अभी उतना पैसे याद मत कीजिए, बस याद रखिए कि कौन क्या लॉन्च किया। तो थावरचंद गहलोत लॉन्च द सेकेंड एडिशन ऑफ इंडियन साइन लैंग्वेज डिक्शनरी इन न्यू दिल्ली। व्हाट्सएप टू वर्क विथ नैसकॉम, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज, टू इम्पार्ट डिजिटल लिटरेसी। देखिए, हम बिल्कुल इस वीडियो में टाइम वेस्ट नहीं कर रहे, क्योंकि जैसे हमने बोला था कि जितने कम से कम टाइम में ज़्यादा कंटेंट आपको हम ला पाए, कि एकदम लास्ट मोमेंट आपके एकदम पूरे दिमाग में आ जाए कि एकदम हाँ ये करेंट अफेयर्स है इसके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। भगवान लाल साहनी ये चेयरमैन ऑफ द नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस सिलेक्ट किए गए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है, हु इज़ द चेयरमैन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, भगवान लाल साहनी। इससे रिलेटेड कुछ और टॉपिक और कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। ये नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो ये आप सिविक्स का पार्ट है कि मतलब कौन सी बॉडी है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी मतलब आपके कॉन्स्टिट्यूशन से बनाया गया, कॉन्स्टिट्यूशन के एकदम बेसिक जो कॉन्स्टिट्यूशन है उससे आपका फॉर्म किया गया वो बॉडी, या तो किसी अमेंडमेंट से फॉर्म किया गया। तो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस फॉर्म किया गया था 123rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 2018। चलिए अच्छा, पहला जो ये कॉन्सेप्ट आया था कालेलकर कमीशन से आया था। कालेलकर कमीशन ने आपको ये दिया था कि फर्स्ट बैकवर्ड क्लासेस कमीशन वो सेटअप हुआ था ऑन 1953। तो ये थोड़ा इम्पोर्टेंट, ये नाम आपको मतलब जस्ट पता होना चाहिए, कालेलकर कमीशन। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स CISF क्रिएटेड अ न्यू गिनीस वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर द लॉन्गेस्ट सिंगल मूविंग लाइन बाइसाइकिल पैरेड एट यमुना एक्सप्रेसवे। किसने किया वर्ल्ड रिकॉर्ड, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड? सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। क्या वर्ल्ड रिकॉर्ड किया? लॉन्गेस्ट सिंगल मूविंग लाइंग बाइसाइकिल पैरेड एट द यमुना एक्सप्रेसवे। यूनियन मिनिस्टर फॉर रेलवे पीयूष गोयल हैज अनाउंस द क्रिएशन ऑफ न्यू रेलवे जोन फॉर आंध्र प्रदेश। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि नया रेलवे जोन कौन से स्टेट के लिए बनाया जा रहा है, आंध्र प्रदेश, और उस रेलवे जोन का नाम क्या है, सदर्न कोस्ट रेलवे जोन, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ होगा, विशाखापट्टनम। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि रेलवे इंडिया का एक बहुत इंटीग्रल पार्ट है, तो उसमें एक नया एक जोन ऐड हो रहा है, तो ये आपके लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होना चाहिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। रेलवे मिनिस्टर लॉन्चेस रेल दृष्टि डैशबोर्ड, ये नाम रेल दृष्टि डैशबोर्ड, तो ये उसका डोमेन नेम क्या है, रेल दृष्टि .CRIS.org.in। क्वेश्चन सीधे सीधे ऐसे आ जाता है कि रिसेंटली रेलवे मिनिस्टर हैज लॉन्च्ड अ डैशबोर्ड टू प्रोवाइड एवरी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू रेलवेज, व्हाट इज द डोमेन नेम ऑफ द डैशबोर्ड। तो आपको ये पता होना चाहिए, रेल दृष्टि .CRIS.org.in। और ये चार ऑप्शन रहेंगे बहुत कंफ्यूजिंग रहेंगे, किसी में ऐसे CRIS नहीं होगा, किसी में .com होगा, तो आपको एग्जैक्टली ये पता होना चाहिए। द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन हैज़ रूल्ड दैट द ईवीएम मशीन इज इंफॉर्मेशन अंडर द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। तो सेंट्रल इंफॉर्म कमीशन ने ये रूल दे दिया भाई कि ईवीएम जो मशीन है, इट विल नाउ बी कंसिडर्ड, उसको एक इंफॉर्मेशन के बेसिस पे ट्रीट किया जाएगा अंडर द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। और इलेक्शन कमीशन को ये डायरेक्ट किया गया है कि जो भी उसको अपील करे कि हमको ईवीएम, भाई ईवीएम में क्या हुआ है वो देखना है, मतलब ईवीएम में कितने वोट्स आए, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज नाउ फोर्स्ड टू रिस्पॉन्स टू दैट अपेलेंट जिसने ईवीएम का इंफॉर्मेशन मांगा है। लेटेस्ट रिपोर्ट रिलीज्ड बाय यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑफ ड्रग्स एंड क्राइम हैज रेफर्ड टू इंडिया एज ए की हब फॉर इलिसिट ड्रग ट्रेड। तो सिंपल क्वेश्चन आ सकता है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज रिसेंटली रिलीज्ड अ रिपोर्ट ऑन इलिसिट ड्रग ट्रेड? तो आपका यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑफ ड्रग्स एंड क्राइम, UNODC। सुप्रीम कोर्ट प्रोपोसेस मेडिएशन पैनल चेयर्ड बाय जस्टिस कलीफुल्ला फॉर राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद लैंड डिस्प्यूट केस। चलिए, ये तो बहुत ही मतलब एक कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक है, और आई थिंक सभी को ये पता है कि एक्चुअली क्या हुआ व क्या डिस्प्यूटेड केस है। तो
मेन क्वेश्चन जो इसमें है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो पैनल बनाया है उसके चेयरमैन कौन है, जस्टिस कलीफुल्ला, और अदर्स मेंबर कौन है, श्री श्री रवि शंकर और श्री राम पंचू। श्री श्री रविशंकर स्पिरिचुअल लीडर है अभी बहुत फेमस, और श्री राम पंचू। तो स्पेशली इसमें क्वेश्चन मतलब चेयरमैन का ही आ सकता है कि हु इज हेडिंग द मीडिएशन पैनल सेटअप बाई सुप्रीम कोर्ट फॉर राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद लैंड डिस्प्यूट केस। चलिए अगला पॉइंट, यूनियन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्टर हरदीप पुरी लॉन्च द ई धरती ऐप एंड ई धरती जियो पोर्टल। चलिए नाम से ही पता चलता है कि ज्योग्राफी से रिलेटेड कुछ होगा। ई धरती ऐप एंड ई धरती जियो पोर्टल क्या करता है ये? इट एनेबल्स द लेसी ऑफ द प्रॉपर्टी टू सी द बेसिक डिटेल्स ऑफ द प्रॉपर्टी अलॉन्ग विद द मैप शोइंग इट्स लोकेशन। तो ये बेसिकली किसी भी बंदे का वो जो प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है, उसके डिटेल्स के बारे में ये ऐप है। जो गवर्नमेंट जो लैंड्स है उसको जो लीज पे दिया जाता है जिन बंदों को, उसके ऊपर ये ऐप है। आरबीआई इज बिजनेस गाइडलाइंस फॉर वाइट लेवल एटीएम्स। तो वाइट लेवल एटीएम्स क्या है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ सकता है कि वाइट लेवल एटीएम्स क्या है। वाइट लेवल एटीएम्स आर ऑटोमेटेड टेलर मशीन सेटअप ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाई नॉन बैंक एंटिटीज। ये जो एटीएम्स है ये बैंक्स के द्वारा चलाया नहीं जाता, ये नॉन बैंकिंग एंटिटीज है वो जो एटीएम्स चलाते हैं उनको बोलते हैं वाइट लेवल एटीएम्स। चलिए ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, हु इज इंडिया टॉप सप्लायर ऑफ क्रूड ऑयल। तो पिछले 2 सालों से इराक है। जी हाँ, सरप्राइज मत होइए। और आपको ऑप्शंस ऐसे आएंगे, ऑप्शंस में आपको दिया रहेगा यूएई, सऊदी अरेबिया, कतार और इराक। तो जो कैंडिडेट जिसको ये पता नहीं होगा वो तो इराक सबसे लास्ट में सोचेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ बैन द यासिन मलिक लेड जम्मू कश्मीर लिबरेशन फंड एज एन अनलॉफुल एसोसिएशन अंडर द प्रोविजन्स ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। तो इसमें से क्वेश्चन आ सकता है कि रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने कौन से ऑर्गेनाइजेशन को बैन किया है, यासिन मलिक ने जो लेड कर रहा है जम्मू कश्मीर लिबरेशन फंड, और कौन से एक्ट के अंदर ये बैन किया गया है, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। इंडिया लॉन्चेस थर्ड आईटी कॉरिडोर इन चाइना जोजू सिटी फ्रॉम जियांगसू प्रोविंस। तो ये कौन से सिटी में किया गया है, ये इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली वेयर हैज़ इंडिया लॉन्च द आई टी कॉरिडोर इन चाइना, तो ये आपका आंसर है। यूनियन मिनिस्ट्री फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हैज़ नोटिफाइड द ड्रग्स एंड क्लिनिकल ट्रायल्स रूल विद एन एम टू प्रोमोट क्लिनिकल रिसर्च। ये उतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE हैज़ अनाउंस द इंट्रोडक्शन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देखिए ये भी देख रहा है कि IIT हैदराबाद ने भी एज ए सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया, CBSE ने भी एज ए सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया, और क्या क्या सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया, अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन एंड योगा। ये एज ए स्किल सब्जेक्ट्स इन स्कूल करिकुलम में इंट्रोड्यूस किया गया है। इलेक्शन कमीशन एडवाइजरी टू मीडिया, एग्जिट पोल आप तभी मतलब फाइनल फेज ऑफ पोलिंग के बाद ही आप शो कर सकते हैं, उससे पहले आप शो नहीं कर सकते, क्योंकि ऑब्वियसली इसमें थोड़ा मतलब लोगों का व्यू अलग बन जाता है कि हाँ एग्जिट पोल ऐसे हो रहा है, तो थोड़ा मॉडिफिकेशन लोगों के व्यूज में आ सकता है वोटिंग के पहले। तो इलेक्शन कमीशन एडवाइजरी टू मीडिया कि आप एग्जिट पोल्स कैन ओनली बी टेलीकास्ट आफ्टर द फाइनल फेज ऑफ पोलिंग फॉर द लोकसभा इलेक्शन विच एंड्स ऑन May 19। चलो अभी तो एंड हो गया है। नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क रैंकिंग्स रिलीज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जिसमें फर्स्ट आया है IIT मद्रास। तो नेशनल लेवल पे तो चलिए बेस्ट इंस्टीट्यूशन है IIT मद्रास। तो कौन सा रैंकिंग है, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क का रैंकिंग्स है, कौन रिलीज करता है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कौन सा डिवाइस इंट्रोड्यूस किया गया इस लोकसभा इलेक्शंस में, विच डिस्पेंसेस अ स्लिप विद द सिंबल ऑफ द पार्टी फॉर विच अ पर्सन हैज वोटेड। तो ये है आपका वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल। तो इससे तो मेरे को लगता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसका फुल फॉर्म, क्योंकि इसका फुल फॉर्म बहुत ही मतलब कंफ्यूजिंग तरीके से वो 4 ऑप्शन ऐसे बना सकते हैं कि आप गलत आंसर ही टिक करके आए। तो वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल ये क्या है, ये मशीन्स विच डिस्पेंसेज अ स्लिप विद द सिंबल ऑफ द पार्टी फॉर विच अ पर्सन हैज वोटेड फॉर। ये दिस इज बींग यूज फॉर द फर्स्ट टाइम इन द लोकसभा इलेक्शन। तो ये किस लिए यूज किया जाएगा, फॉर द मैचिंग ऑफ पेपर ट्रेल मशीन स्लिप्स विद EVM रिजल्ट। तो ये आपका प्रूफ रहेगा कि EVM के साथ छेड़खानी हुआ है कि नहीं हुआ है आफ्टर वोटिंग। इंडिया इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इम्पोर्टर ऑफ थर्ड लार्जेस्ट इम्पोर्टर ऑफ क्रूड ऑयल, फर्स्ट चाइना। इंडिया इज वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट इम्पोर्टर ऑफ क्रूड ऑयल, और इंडिया का कौन इम्पोर्टर सबसे बड़ा कौन है, इराक। इराक सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल इंडिया मतलब इंडिया सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल इराक से इम्पोर्ट करता है।
एशियन डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट कौन रिलीज़ करता है, ये तो बहुत ईजी है इसमें, मतलब पढ़ने में, एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो एशियन डेवलपमेंट जो इंपॉर्टेंट है इसमें कि उन्होंने क्या फोरकास्ट किया है, इंडियाज़ ग्रोथ फोरकास्ट वॉज लोअर्ड टू 7.2, पहले 7.6 था फोरकास्ट, अभी उसको 7.2 कर दिया गया है, बट इंडिया विल स्टिल रिमेन द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। तो ये आपका थोड़ा याद है कि क्या फोरकास्ट किया, ये इंपॉर्टेंट है। व्हाट्सअप इंडिया लॉन्चेस एन इंडिया फोकस्ड फैक्ट चेकिंग फीचर टिप लाइन टू कर्ब फेक न्यूज़। तो कौन सा फीचर लॉन्च किया, इसका नाम इंपॉर्टेंट है, टिप लाइन, टिप लाइन टू कर्ब फेक न्यूज़। तो ये देखिए, इलेक्शन के पहले पहले बहुत सारे फेक न्यूज़ इसे हो सकता है, तो इसीलिए व्हाट्सएप ने एकदम मतलब करेक्ट टाइम पे इसको लॉन्च किया है। तो ये डेवलप्ड इन कोलाबोरेशन विथ इंडिया बेस्ड मीडिया स्केलिंग स्टार्टअप प्रोटो। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि कौन से स्टार्टअप के साथ इसको मिलकर कोलाबोरेशन में इसको डेवलप किया गया है। रिसेंटली साइक्लोन दैट हिट एरियाज ऑफ उड़ीसा, आंध्र प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल इन 2019 फोनी। तो हमने देखा है कि उड़ीसा के जो हमने वीडियोस देखे, मतलब कितने भयंकर तरीके से ये हिट हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है कि वो साइक्लोन का नाम क्या था, फोनी। गवर्नमेंट एंड आईआईटी दिल्ली साइंस एमओयू टू सेट अप सेंटर ऑफ एक्सेलेंस फॉर वेस्ट टू वेल्थ टेक्नोलॉजीज इन इंडिया फॉर वेस्ट मैनेजमेंट। तो किसके साथ एमओयू हुआ है, आईआईटी दिल्ली, इसके साथ कोलेबोरेशन हुआ है। वाइस प्रेसिडेंट इश्यूड पोस्टेज स्टैम्प टू कमेमोरेट 750th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ श्री वेदांत देसिका। तो वेदांत देसिका क्या है, स्पिरिचुअल गुरु थे, फिलोसोफर एंड ऑथर ऑफ 14th सेंचुरी। इनको कौन कौन से टाइटल दिए गए थे, कवि तार्किका केसरी, द लायन अमंग्स पोएट एंड लॉजिशियंस, सर्वतंत्र स्वतंत्र मीन्स मास्टर ऑफ ऑल आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स, एंड रामानुज दयापत्रम, द रेसिपियंट ऑफ रामानुजस ब्लेसिंग। और इनके बुक्स कौन कौन से, रहस्य त्रय सारा, पादुक सहस्रम, शिल्पार्थ सारम, भूगोल निर्णयम, शुभचिंता निवि, आहार नियम। मुझे नहीं लगता कि इधर से मतलब कुछ ऐसे आ सकता है कि इनको कौन से टाइटल्स थे या कौन से बुक्स थे, बट हाँ ये आ सकता है कि रिसेंटली किनके 750th बर्थ एनिवर्सरी के लिए पोस्टेज स्टैम्प निकाले गए, तो श्री वेदांत देसिका। सेक्स स्पेशल किट्स टू प्रूव सेक्सुअल असॉल्ट केसेस डिस्ट्रीब्यूटेड बाई मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो ये इंपॉर्टेंट है कि फुल फॉर्म इसका आपको पता होना चाहिए, या कौन से किट्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से फॉर टू प्रोबिंग ऑफ सेक्सुअल असोल्ट। तो ये नाम आपको याद होना चाहिए। प्रणब कुमार दास इज द न्यू चेयरमैन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। एकदम सिंपल सा पॉइंट है, सीधा पॉइंट, आपको याद होना चाहिए, रिसेंट अपॉइंटमेंट हुआ है। फार्माको विजिलेंस प्रोग्राम ऑफ इंडिया, ये प्रोग्राम, माफ कीजिएगा, फार्माको विजिलेंस प्रोग्राम ऑफ इंडिया, ये प्रोग्राम क्या है। द मिशन ऑफ पीवीआई इज टू सेफगार्ड द हेल्थ ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन बाय इंश्योरिंग दैट द बेनिफिट ऑफ द यूज ऑफ मेडिसिन आउटवेज द रिस्क एसोसिएटेड विद इट। द इंडियन फार्माकोसिया कमीशन गाजियाबाद होस्ट द कोऑर्डिनेशन सेंटर फॉर पीवीपीआई। तो ये दवाई से होने वाले साइड इफेक्ट्स को रोकने के लिए ये एक मॉनिटरिंग प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, फार्माको विजिलेंस प्रोग्राम ऑफ इंडिया। ये कहाँ से मॉनिटर किया जाएगा, इंडियन फार्माकोपिया कमीशन गाजियाबाद यूपी से। चलिए, यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड हैज़ रिलीज द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन 2019 रिपोर्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, सीधे सीधे क्वेश्चन बन सकता है, हु हैज़ रिलीज द स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट। तो आपका आंसर होगा उसमें यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड, और उसमें इंडिया की पॉपुलेशन क्या बताई गई है, 1.36 बिलियन। तो अभी प्रेजेंटली इंडिया का पॉपुलेशन अगर आपसे पूछा गया एग्जाम में तो 1.36 बिलियन, और उसका ग्रोथ ग्रोथ चलिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ इंडिया का पॉपुलेशन कितना है, 1.36 बिलियन। इंडियाज जगदीश पवाड़िया री इलेक्टेड टू इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड आईएनसीबी ऑफ यूनाइटेड नेशंस। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हु इज इलेक्टेड टू द इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड ऑफ यूएन फ्रॉम इंडिया, जगदीश पवाड़िया। हेडक्वार्टर ऑफ आईएनसीबी, जस्ट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐड करने के लिए, वियना ऑस्ट्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राइम मिनिस्टर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एम वेंकैया नायडू हैज़ रिसेंटली विजिटेड वियतनाम टू पार्टिसिपेट इन यूनाइटेड नेशंस डे ऑफ वेसाक। तो चलिए ये एक इंपॉर्टेंट है, ये क्या है, ये है आपके बुद्ध पूर्णिमा, वेसाक, वेसाक जब भी आप ये वर्ड देखें तो ये है आपका बुद्ध पूर्णिमा, तो वेसाक है बुद्ध पूर्णिमा। तो वियतनाम गए थे उसके सेलिब्रेशन के लिए, कौन गए थे, वेंकैया नायडू। तो सीधे क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि हु रिसेंटली हैड अ विजिट टू वियतनाम टू सेलिब्रेट यूनाइटेड नेशंस डे ऑफ वेसक। तो आपका आंसर होना चाहिए वेंकैया नायडू। तो अब जब देखिए, जब भी ऐसे किसी कंट्री में जा रहे हैं तो उस कंट्री के कैपिटल और उस कंट्री के जो हेड है वो क्वेश्चंस थोड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो वियतनाम का कैपिटल क्या है, हानोई, और उनके प्रेसिडेंट कौन है, नुगिन फू थ्रोंग।
चलिए, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ऑर्गेनाइज्ड अ मीटिंग ऑफ रीजनल हेड्स ऑफ कस्टम्स एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एशिया पैसिफिक रीजन ऑफ वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन इन कोची केरला। कहाँ पे होल्ड किया है तो ये इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे, कोची केरला। क्या हेल्ड किया है, रीजनल हेड्स, मीटिंग ऑफ रीजनल हेड्स ऑफ कस्टम्स एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एशिया पैसिफिक रीजन ऑफ वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन जो है WCO, उसके एशिया पैसिफिक रीजन का मेन मीटिंग जो है वहाँ पे कोची केरला में हेल्ड किया गया। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एक्सटेंडेड बैन ऑन LTT, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिलेलम। तो इसका फुल फॉर्म ऐसे आ सकता है कि LTT का फुल फॉर्म क्या है। इंडिया एंड बांग्लादेश विल जॉइंटली प्रोड्यूस अ फीचर मूविंग ऑन लाइफ एंड वर्क्स ऑफ बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान। तो ये शेख मुजीबुर रहमान कौन थे, ये मेनली जब बांग्लादेश का जो लिबरेशन हुआ था पाकिस्तान से, जिसमें इंडिया ने बहुत हेल्प किया था, इंदिरा गांधी उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थी, तो उस टाइम पे जो ये पहले मतलब जो बांग्लादेश फॉर्म होने में जो ये ओपोनेंट पार्टी थी पाकिस्तान के अगेंस्ट में जब खड़े थे, जिनको इंडिया ने हेल्प किया था, वो थे शेख मुजीबुर रहमान। तो इनको माना जाता है फादर ऑफ बांग्लादेश। तो ये इंडिया और बांग्लादेश ने डिसीजन लिया है कि जॉइंटली एक फिल्म प्रोड्यूस किया जाएगा ऑन द लाइफ ऑफ शेख मुजीबुर रहमान। कौन कौन इसमें कोऑपरेट करेगा, ऑल इंडिया रेडियो और बांग्लादेश बेतार। तो ये दोनों जो कंट्री है उनके जो मतलब रेडियो ब्रॉडकास्टिंग है, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स इनके पास है। इंडिया के मेन जो नेशनल पब्लिक रेडियो ब्रॉडकास्टर है वो है ऑल इंडिया रेडियो, और बांग्लादेश के लिए है बांग्लादेश बेतार। इस मूवी के डायरेक्शन कौन करेंगे, श्याम बेनेगल। अरुणाचल हैज़ 35% ऑफ इंडियाज ग्राफाइट डिपोजिट्स, तो विच स्टेट हैज़ इंडियाज हाइएस्ट ग्राफाइट डिपोजिट्स, अरुणाचल प्रदेश। एंड हु इज हैज रिलीज द रिपोर्ट, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो इधर से क्वेश्चन बन जाता है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, कोलकाता। प्रोजेक्ट कनम्मा, प्रोजेक्ट कनम्मा इज एन इनिशिएटिव ऑफ द रोटरी क्लब ऑफ मद्रास नॉट टू प्रोवाइड सैनिटरी नैपकिन टू द स्टूडेंट्स। तो सिंपली ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि विच प्रोजेक्ट इन तमिलनाडु इज एन इनिशिएटिव टू प्रोवाइड सैनिटरी नैपकिन टू द स्टूडेंट्स। आपका आंसर क्या होगा, प्रोजेक्ट कनम्मा। RBI रिलीजेज विजन डॉक्यूमेंट फॉर ई पेमेंट सिस्टम टाइटल। तो ये टाइटल इंपॉर्टेंट है कि RBI ने रिसेंटली कौन सा डॉक्यूमेंट रिलीज किया है ई पेमेंट सिस्टम के लिए, तो उसका नाम है पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स इन इंडिया विजन 2019-2021। और इस विजन का कोर थीम क्या है, एम्पावरिंग एक्सेप्शनल ई पेमेंट एक्सपीरियंस। चलिए इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे तो लगता है, अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें कुछ आ सकता है तो ये विजन का नाम आ सकता है कि ये विजन का टाइटल क्या है और किसके ऊपर है, ई पेमेंट सिस्टम के ऊपर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ नाउ इम्प्लीमेंटेड प्रोजेक्ट स्पैरो। चलिए ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अप्रेजल, जैसे प्राइवेट कंपनीज़ में अप्रेजल का एक सिस्टम होता है, तो वैसे ही CBIC के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट किया जिसका नाम है स्पैरो। स्पैरो का फुल फॉर्म है स्मार्ट परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट रिकॉर्डिंग ऑनलाइन विंडो। तो ये जो CBIC के ऑफिसर्स है उनके एनुअल अप्रेजल के लिए ये रिपोर्ट ये तैयार किया गया है, ऑनलाइन राइटिंग ऑफ देयर एनुअल परफॉर्मेंस। मतलब अभी तक वो पेन और उससे होता था, डॉक्यूमेंट से होता था, तो अभी उसको ऑनलाइन पोर्टल में ला दिया गया है। उस ऑनलाइन पोर्टल का नाम क्या है, स्पैरो। फुल फॉर्म क्या है, स्मार्ट परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट रिकॉर्डिंग ऑनलाइन विंडो। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, विच स्टेट हैज़ रिसेंटली डिसाइडेड टू डिजिटाइज ऑल ऑफ इट्स रिकॉर्ड्स, केरला, और उसका नाम क्या दिया गया है, ई विधान। द प्रोजेक्ट हैज बीन अवॉर्डेड टू साइबर पार्क। MOU साइंड बिटवीन नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा इंटेक। इंटेक का फुल फॉर्म क्या है, इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज एंड HCL फाउंडेशन फॉर प्लांटेशन ऑफ 10,000 रुद्राक्ष ट्रीज। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है ये नाम बस, कि क्या MOU साइन किया गया, तो प्लांटेशन ऑफ रुद्राक्ष ट्रीज इन कैचमेंट एरिया ऑफ रिवर गंगा बेसिन इन उत्तराखंड, क्योंकि मैक्सिमम फ्लड सब वहीं से ओरिजिनेट होते हैं उत्तराखंड में, तो फ्लड्स रोकने के लिए रुद्राक्ष ट्रीज वहां पे कैचमेंट एरियाज में प्लांट किए जाएंगे। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI अपॉइंटेड कमिटी हेडेड बाई नंदन नीलेकानी। नंदन नीलेकानी आपके इन्फोसिस के को फाउंडर थे, और मेन जो आधार लॉन्च हुआ था उसके भी मतलब उनका बहुत आर्किटेक्चर रहा है आधार के लॉन्च के पीछे। तो नंदन नीलेकानी ऑन सजेशंस ऑन प्रोमोटिंग डिजिटल पेमेंट। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, रिसेंटली RBI हैज़ अपॉइंटेड अ कमिटी ऑन सजेशंस ऑन प्रोमोटिंग डिजिटल पेमेंट, हु इज हेडिंग द कमिटी। तो हेडिंग द कमिटी है नंदन नीलेकानी।
MOU on cancer research signed between Department of Biotechnology under Ministry of Science and Technology and Department of Atomic Energy under Prime Minister of India. इसको वैसे ही पढ़ लीजिए, इतना कुछ खास इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है नहीं। अच्छा, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रिसेंटली इसरो ने अनाउंस किया है अपने कुछ मेगा मिशंस जो आने वाले दिनों में वो करेगी, जो प्रेजेंटली वो वर्क कर रही है, जिसका कुछ फिक्स टाइमलाइन है, और कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स का भी उन्होंने नाम बताया है जिसका कोई अभी डेफिनेट प्लान है नहीं, बट हाँ वो आगे करेंगे। तो फिक्स्ड अभी जिसमें काम चल रहा है वो है चंद्रयान टू, इंडिया सेकेंड लूनर एक्सप्लोरेशन मिशन, चांद में जाने का सेकेंड मिशन। नेक्स्ट है मिशन विद डेफिनेट प्लान्स, मतलब जिनके अभी प्लान्स रेडी है, तो वो है क्या, एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट, एक्सपो सैट। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, फुल फॉर्म तो ऐसे आ ही सकता है, एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट। और आदित्य L1, आदित्य L1 क्या है, मिशन टू द सन। तो ये कब का प्लान है, 2021। तो ये दो थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक चंद्रयान टू और एक है दो डेफिनेट प्लान्स वाले मिशन जो अभी इसरो के है, वो है एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट जिसका नाम है एक्सपो सैट, और आदित्य L1 जिसका नाम है टू द सन, जिसके अभी कोई डेफिनेट प्लान नहीं है, मतलब जस्ट प्लानिंग फेज में है, जिसके कोई फिक्स्ड प्लान अभी बनाया नहीं गया, वो है मंगलयान टू, लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन जिसका नाम चंद्रयान 3 भी है, और वेनस मिशन इन 2023 एक्सो वर्ल्ड्स। तो ये थोड़ा, ये उतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ ये दो पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट है। द स्कीम्स ऑफ वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट, उत्कर्ष बंगला एंड सबूत साथी वॉन द वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी अवार्ड्स ऑफ द UN। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि विच स्कीम्स ऑफ विच स्टेट हैज़ रिसेंटली बीन अवार्डेड इन द वर्ल्ड समिट ऑन इंफॉर्मेशन सोसाइटी अवार्ड्स ऑन UN। तो वेस्ट बंगाल ऐसे आंसर दे सकते हैं, या तो आप सीधे सीधे, मतलब स्कीम थोड़ा और डिफिकल्ट अगर क्वेश्चन रहा तो स्कीम्स के नाम भी ऐसे पूछ सकते हैं। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया has held that a foreigner tribunal's order declaring a person as an illegal foreigner will prevail over government decision to include or exclude name from national register of citizens in Assam. तो आसाम में फिलहाल वो बाहर से आए हुए माइग्रेंट्स जो सिटीजन है उनको लेके बहुत, मतलब उसका कंट्रोवर्सी चल रहा है, तो उसी को लेके ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने रूल कर दिया है कि फॉरेनर ट्रिब्यूनल्स का जो ऑर्डर होगा वो ज़्यादा सुपरसीड होगा ओवर दिस गवर्नमेंट्स डिसीजन टू इंक्लूड और एक्सक्लूड नेम फ्रॉम द सिटीजन्स रजिस्टर। सुप्रीम कोर्ट हैज़ रीच्ड इट्स फुल सैंक्शन स्ट्रेंथ ऑफ 31। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि सुप्रीम कोर्ट का जो मैक्सिमम सैंक्शन स्ट्रेंथ है, मैक्सिमम सैंक्शन स्ट्रेंथ ऑफ जजेस है वो कितना है, तो 31। ये 31 जो है इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो 31। पहले ये 31 नहीं था, 27 थे, 26 जजेस और एक चीफ जस्टिस, तो पूरे चार न्यू जजेस का अपॉइंटमेंट हुआ है, तो अभी ये अपने फुल स्ट्रेंथ पे पहुंच गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि कौन से चार नए जजेस का अपॉइंटमेंट हुआ है, अनिरुद्ध बोस, जस्टिस सूर्यकांत AS बोपन्ना और जस्टिस BR गवाई। एनवायरमेंटल पॉल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी EPCA कम्स आउट विद पार्किंग मैनेजमेंट प्लान फॉर दिल्ली। ओडिशा दिवस 2019 फर्स्ट अप्रैल फॉर्मड इन 1936। ये उतना भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है नहीं। दिल्ली हाई कोर्ट रूल दैट यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट स्टेट इन टर्म्स ऑफ आर्टिकल 12 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड दस इट इज नॉट अमेनेबल टू इट्स जुरिसडिक्शन अंडर 226। तो 226 आपका वो आर्टिकल है जो एम्पावर करता है हाई कोर्ट्स ऑफ इंडिया टू इशू रिट्स और ऑर्डर्स। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने रूल कर दिया है कि आप यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन को आप एज ए स्टेट डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं इन इंडियन एज ए पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसके जुरिसडिक्शन को आप इंडिया में क्वेश्चन नहीं कर सकते हो। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन डायरेक्ट यूनिवर्सिटीज़ टू ऑब्जर्व 21st में एज एंटी टेररिज्म डे। तो 21st में को क्यों एंटी टेररिज्म डे, इसी डे 1991 में राजीव गांधी जो हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर थे उनका एसासिनेशन हुआ था। RBI टू क्रिएट अ स्पेशलाइज्ड सुपरवाइजरी एंड रेगुलेटरी कैडर, तो ये थोड़ा इम्पोर्ट, ये बस याद रखिए कि RBI हैज़ क्रिएटेड अ स्पेशलाइज्ड सुपरवाइजरी एंड रेगुलेटरी कैडर। RBI के इतने सारे पॉइंट्स करेंट अफेयर्स में आ चुके हैं, तो ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि RBI के प्रेजेंट गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट बार स्टेटिंग ऑफ कास्ट इन प्रोसीडिंग से बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इंडिया में चलिए कास्ट का इतना इंपॉर्टेंस माना जाता है, तो एटलीस्ट दो स्टेट आगे आए कि उन्होंने अपने जो हाई कोर्ट की हियरिंग्स होते हैं उनमें आपको कास्ट का मेंशन आप नहीं करेंगे। राजस्थान डे 30th मार्च फॉर्मड इन 1949।
अच्छा, मिजोरम असेंबली हैज़ पास द मिजोरम मेंटेनेंस ऑफ हाउसहोल्ड रजिस्टर्स बिल दैट सीक्स टू डिटेक्ट फॉरेनर्स इलीगली रिसाइडिंग इन मिजोरम। ये स्टेट के है तो उतने भी इंपॉर्टेंट नहीं है। वस्त्रदान कैंपेन इनिशिएटेड बाय द अर्स्टवाइल रॉयल फैमिली ऑफ उदयपुर हैज सेट द गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर द लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ क्लोथ्स फॉर डोनेशन। तो कौन सा कैंपेन है, ये नाम आ सकता है, वस्त्रदान कैंपेन, किनके द्वारा? रॉयल फैमिली ऑफ उदयपुर। और किसके लिए वर्ल्ड रिकॉर्ड हुआ? लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ क्लोथ्स डोनेटेड जो किया गया। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ एंड वर्ल्ड बैंक हैज साइंड अ 25.2 मिलियन USD लोन एग्रीमेंट टू सपोर्ट द स्टेट्स रिफॉर्म इन एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट अंडर छत्तीसगढ़ पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड अकाउंटेबिलिटी प्रोग्राम। तो ये बस बोल सकते हैं कि वर्ल्ड बैंक से कितने का लोन एग्रीमेंट हुआ है उड़ीसा छत्तीसगढ़ के एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट सिस्टम के लिए, तो 25.2 मिलियन लोन एग्रीमेंट। गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका हैज़ लॉन्च वाटर कंजर्वेशन स्कीम जल अमृत। तो सिंपल ये पूछ सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंजर्वेशन स्कीम हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका, जल अमृत, या तो सीधे ऐसे क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैव लॉन्च्ड द वाटर कंजर्वेशन एंड जल अमृत, तो उसका आंसर होगा कर्नाटका। पीएम इनॉग्रेट्स डेवलपमेंट वर्क्स इन गुजरात। तो रिसेंटली गुजरात में उन्होंने विजिट किया था और अहमदाबाद में, तो कुछ कुछ चीज़ें उन्होंने वहाँ पे इनॉग्रेट किया। तो क्या किया? फर्स्ट फेज ऑफ अहमदाबाद मेट्रो रेल प्रोजेक्ट, फाउंडेशन स्टोन फॉर द सेकेंड फेज ऑफ अहमदाबाद मेट्रो रेल प्रोजेक्ट, लॉन्च द नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड NCMC विच इज़ वन कार्ड वन नेशन बेस्ड इंडिजिनस ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन सिस्टम। नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड NCMC विच इज़ वन कार्ड वन नेशन बेस्ड इंडिजिनस ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन सिस्टम, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। और पतन बिंदी रेलवे लाइन। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड हैज़ लॉन्च स्मार्ट गार्बेज बीन्स मेड ऑफ स्टेनलेस स्टील्स फॉर स्मार्ट वेस्ट मैनेजमेंट। तो स्मार्ट वेस्ट मैनेजमेंट के लिए इंटरनेट ऑफ टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, सॉरी इंटरनेट ऑफ थिंग्स का यूज़ करके जो सेल है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उन्होंने ये स्मार्ट गार्बेज बिन्स बनाए हैं। तो इस वजह से क्वेश्चन आपके ऑप्शन में जो आएंगे, अगर आता है ये क्वेश्चन, तो देखना हमेशा IT कंपनीज के नाम दे रहेंगे, तो हमेशा वो कन्फ्यूज़ होकर कि चलो IoT का कुछ बना है तो कोई IT कंपनी नहीं बनाया होगा, तो ऐसे ऑप्शन आप टिक करके आ जाएंगे, पर नहीं, आंसर है आपका स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। चलिए अगला पॉइंट। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिलीज्ड अ ड्राफ्ट सर्कुलर टाइटल लिक्विडिटी रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क फॉर NBFCs एंड कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज। तो इन्होंने प्रपोज क्या किया, एक लार्ज NBFC होना चाहिए, ऐसे छोटे छोटे NBFC नहीं। NBFC क्या होता है? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। तो ऐसे एक लार्ज NBFC का उन्होंने प्रपोज किया है गाइडलाइन, और कौन से ड्राफ्ट में किया है? लिक्विडिटी रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कुलर हैज़ बीन रिलीज बाई RBI बेस्ड ऑन फॉर NBFCs, तो आपका ऑप्शन होगा लिक्विडिटी रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क। उन्होंने क्या प्रपोज किया है कि फॉर अ लार्ज NBFC, इसरोज न्यू कमर्शियल आर्म कॉल न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड वॉज ऑफिशियली इनोग्रेटेड इन बेंगलुरु। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि विच इज़ द न्यू इसरोज कमर्शियल आर्म, तो ये आंसर होगा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, और ये कहाँ पे लॉन्च हुआ है? बेंगलुरु में। ये आपके मार्केटिंग, बेसिकली एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट होगा इसरो के लिए। द गवर्नमेंट एंड द एशियन डेवलपमेंट बैंक हैज साइंड अ लोन एग्रीमेंट ऑफ 926 मिलियन टू ऑपरेशनलाइज 2 लाइन्स ऑफ द मुंबई मेट्रो रेल सिस्टम। तो कितने कितने लोन एग्रीमेंट हुआ है? 926 मिलियन US डॉलर्स का। किसके साथ? एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ, टू ऑपरेशनलाइज 2 लाइन्स ऑफ मुंबई मेट्रो रेल सिस्टम। चलिए अगला पॉइंट। माई सर्कल ऐप वॉज लॉन्च्ड बाई भारती एयरटेल इन कोलेबोरेशन विथ FLO। अब FLO क्या है? FLO है आपका FICCI का लेडीज ऑर्गेनाइजेशन, मतलब FICCI के अंदर ही एक अलग सब ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो है FLO। अब FICCI का फुल फॉर्म क्या है? फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो ये क्या ऐप का नाम है? माई सर्कल ऐप। किसने लॉन्च किया है? भारतीय एयरटेल ने। किसके कार किस लिए लॉन्च किया है? वुमेन सेफ्टी के लिए। चलिए अगला पॉइंट। हाई लेवल कमिटी कंस्टिट्यूटेड बाय सेंटर कंसिस्टिंग ऑफ डॉक्टर अनिल काकोदकर एंड एमिनेंट साइंटिस्ट एंड सिद्धार्थ प्रधान। इन्होंने क्या अपना रिपोर्ट सबमिट किया? रिकमेंडेशंस टू मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ऑन ब्रिंगिंग डाउन इंडियाज डिपेंडेंस ऑन क्रूड ऑयल इम्पोर्ट्स। तो ये पूछ सकते हैं कि कौन सी कमेटी बनाई गई थी जिन्होंने रिसेंटली अपना रिपोर्ट सबमिट किया गिविंग रिकमेंडेशंस टू मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ऑन हाउ टू ब्रिंग डाउन, मतलब इंडिया का जो डिपेंडेंस है क्रूड ऑयल इम्पोर्ट्स के ऊपर, उसका जो यूज़ है वो कितना हम कमा सकते हैं,
कम कर सकते हैं, तो उसका है कि डॉक्टर अनिल काकोदकर और सिद्धार्थ प्रधान। अच्छा, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत सारे रेवोल्यूशन आप पढ़ते हो, तो स्वीट रेवोल्यूशन, स्वीट रेवोल्यूशन इज अ रेवोल्यूशन इन प्रोडक्शन ऑफ हनी, किसने लॉन्च किया है? नरेंद्र मोदी जी ने। कहाँ पे लॉन्च किया है? बानस हनी प्रोजेक्ट एट दीसा इन गुजरात। चलिए, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, ये हमने पढ़ा था, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, जिसके रिकमेंडेशन के बेसिस पे गवर्नमेंट ने वाराणसी और रायबरेली स्टेशन पे कुल्हड़ जो है वो यूज़ करने का इंस्ट्रक्शन दिया था मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने। तो यही खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन ने डिस्ट्रीब्यूट किया है मोर देन 1 लाख बी बॉक्सेस अंडर द हनी मिशन। तो ये इस पॉइंट से रिलेटेड है। चलिए, RTI has गवर्नमेंट हैज़ रूल्ड आउट दैट RTI एक्ट सुपरसीड्स द ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट ऑफ 1923। तो बस इतना है कि RTI का जो एक्ट है ये इस एक्ट से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो RTI एक्ट विल प्रिवेल। तो इसमें क्वेश्चन हो जाता है कि RTI कौन से एक्ट से बनाया गया था? तो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005। तो ये आपको पता होना चाहिए, RTI भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे कुछ भी एग्जाम रिलेटेड कुछ भी हो रहा है तो हम RTI करते हैं SSC के लिए, तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट विच एक्ट मेड द राइट RTI, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005। स्टूडेंट्स को पता तो होता है कि RTI क्या है, बट कौन से एक्ट से बनाया गया वो नहीं पता होता है। इसरो चेयरमैन डॉक्टर के सिवन, तो ये एक इम्पॉर्टेंट है कि इसरो के चेयरमैन कौन है। इनॉग्रेटेड इसरोज यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम, जैसे कि हम बता रहे थे कि इसरो अभी बहुत प्रमोट कर रहा है कि जो यंग टैलेंट है स्कूल्स में और कॉलेजेस में जो है उनके पास वो रीच करे, एक अब जैसे आउटरीच प्रोग्राम भी उन्होंने लॉन्च किया था संवाद विद स्टूडेंट्स, तो अभी उनका यंग साइंटिस्ट एक प्रोग्राम है युविका, तो उसका फुल फॉर्म क्या है? युवा विज्ञानी कार्यक्रम 2019। कहाँ पे लॉन्च किया है? सतीश धवन स्पेस सेंटर इन श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। तो ये लॉन्च किया गया है टू रीच आउट टू द यंग जो पॉपुलेशन है उनको, और इसरो के मतलब प्रमोशन के लिए ये प्रोग्राम सब वो लॉन्च कर रहे हैं। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो अनाउंस्ड इट्स प्लान टू लॉन्च इट्स लेटेस्ट रेडार इमेजिंग रिकॉग्निशन सैटेलाइट। तो ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, इसका फुल शॉर्ट फॉर्म क्या है? रीसेट। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि इसरो हैज़ रिसेंटली अनाउंस्ड इट्स प्लान टू रीसेट, वॉट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ रीसेट? तो आपको पता होना चाहिए, रेडार इमेजिंग रिकॉग्निशन सैटेलाइट। तो ये जो रेडार इमेजिंग सैटेलाइट है इट विल बी कैरीड आउट, कौन से सेटेलाइट के साथ इसको सेंड किया जाएगा? इट विल बी कैरीड आउट बाई PSLV C-46। PSLV का फुल फॉर्म क्या है? पोलर सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल। लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली अनिल वैजल, तो ये भी है किधर से पॉइंट आ जाता है, इनाग्रेटेड द सहारा नवल हॉस्टल फॉर वीर नारीज एट वसंत कुंज इन न्यू दिल्ली। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वीर नारीज क्या है? जो नेवल जो ऑफिसर्स थे उनके विडोज। चलिए, तो आज के इसी के साथ हमारा आज का वीडियो ख़त्म होता है। हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हमने जैसे वादा किया था जितने कम टाइम में ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड करेंगे, वैसे तो 1 घंटे से ऊपर हो गया है बट कंटेंट भी बहुत ज़्यादा था। अगर आपको हमारे ऐसे वीडियोज़ पसंद आए और आप चाहते हैं कि हम आगे और वीडियोज़ लाए, आप हमको मोटिवेट करना चाहते हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पक्के से दबाइए ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए, थैंक यू, और सीखते रहिए और आगे बढ़िए लाइफ में। कोई गवर्नमेंट जॉब की एग्ज़ाम आप क्रैक करें, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करें, खुद भी प्राउड फील करें। चलिए, ऑल द बेस्ट।